Okay, welcome all of you. Welcome, Otto. मेरी आवाज आ रही है तो कंफर्म कर दीजिएगा that you can hear me or not. Okay, okay, आवाज आ रही है. Thank you. चलिए वेट कर लेते हैं जब तक बच्चे आ जाते हैं. ठीक है, आज लगता है सबके सब संडे तो नहीं मना रहे हैं. गुड इवनिंग मेरे साथ. ठीक है, तो कल सैटरडे था और कल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया था. ठीक है, तो चार्जिंग ख़त्म हो गई थी तो इस वजह से क्लासेस नहीं ले पाए. खैर, अभी इलेक्ट्रिसिटी ठीक हो गई है तो हम क्लासेस ले सकते हैं. ठीक है, तो अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी और आती रहेगी और सब लोग जुड़ जाइए. अच्छा, क्या बात है, बच्चे नहीं आ रहे क्या? एक बार और भी आपको फ्रेंड्स वगैरह हो तो उनको भी शेयर कर दीजिए कि आज की क्लास होनी है. ठीक है, अभी ज़्यादा बच्चे आए नहीं हैं तो वेट कर लेते हैं ना, क्योंकि सफिशियंट अमाउंट बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करना ठीक रहता है. ठीक है, ओके ओके ओके. और बच्चे आ गए, जल्दी से जुड़ जाइए. आज पता नहीं क्या हो गया बच्चों को, आज मुझे लग रहा है सबके साथ संडे का मना रहे हैं कि सर क्लास नहीं लेंगे. तो मैंने कल लिखा था ना ग्रुप पे कि आई विल टेक क्लास. ओके, तो प्लीज आ जाओ, जल्दी से आ जाओ. ठीक है, सब लोग आ जाओ जल्दी से. क्या बात है, आज के दिन तक तो बच्चे आए नहीं. संडे इज नॉट मंडे टुडे, सैटरडे वॉज संडे, संडे इज टुडे. ठीक है, तो ग्रुप पे मैसेज तो चला गया है बच्चों को, तो वो आज क्यों नहीं पा रहे आज की क्लास में, ऐसा क्या हो गया? ओके वीओ वन एट. ओके बेटा, कॉपी पेन जरूर रखिएगा. ठीक है, कॉपी पेन जरूर रखिएगा, अदरवाइज. अच्छा, एक और चीज, आप ना उसको नोट्स मिलेगा जो ना मुझे कॉपी पे दिखाएगा, ग्रुप पे डाल देगा लास्ट वाला, यहाँ मैंने पढ़ाया है. मैं किसी का रेंडमली मंगवा सकता हूँ रजिस्टर, तो प्लीज कॉपी नोट्स बनाते चलिएगा. तो बच्चे सोच रहे होंगे सर नोट्स तो दे ही देते हैं, तो रैंडमली बना दूंगा मैं कि नोट्स जहाँ मुझे पता लगा नहीं बना रहा हो. ओके होटल, तो मैं ना वहीं पे नोट्स ना बंद कर दूंगा. नोट्स तो मैं इसलिए देता हूँ कहीं किसी का बीच में छूट गया हो वगैरह वगैरह, तब उसके लिए नोट्स बना दिया. ठीक है, क्या बात है, बच्चे बहुत कम. अच्छा, सफिशियंट. चलो बच्चे ठीक ठाक बच्चे आ गए, चलो मतलब बच्चे बहुत धीमे धीमे आ रहे हैं. एक मिनट का वेट कर लेते हैं ताकि और बच्चे आ जाए. ठीक है, ओके चलिए. अच्छा, तब तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ओतक ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था ग्रुप पे, मैं उस क्वेश्चन को निकाल लेता हूँ. इस पर तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, मीन वाइल बच्चे भी ऐड हो जाएंगे तो आप सबके ग्रुप पे भी आया होगा क्वेश्चन, आई होप तो आप लोगों ने देखा भी होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि एक आपका क्यूब बना था, उसके 12 वायर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए क्यूब, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनल लाइन. ठीक है, तो बना क्या था, एक क्यूब बना था, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं. पहले एक क्यूब बना लेते हैं, दिस इज वन क्यूब और अनदर क्यूब इज वन. ओके, ठीक है. दूसरा चीज, ये इसका साइड जुड़ा हुआ था. ठीक है, क्यूब का फॉर्म देख रहे हैं, दिस वन, ओके दिस वन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ज्वाइन.
चलिए ठीक है। तो ये क्यूब है, नंबरिंग दे दी थी क्यूब की, 1 2 ओके 3 4 5 6 नहीं 6 ये था, 7 इसे बोला था, 8 इसे ये बोला था, और बोला था कि हर एक 12 इसकी साइडें हैं, क्यूब है तो हर एक साइड पे एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ भी आर का रेजिस्टेंस है, इधर 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 भी आर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आर आर के रेजिस्टेंस बने हुए थे, 12 रेजिस्टेंस हैं, तो मैंने 12 के 12 लगा दिए। जिसको क्यूब विजुलाइज नहीं हो रहा है, वो आपका जहाँ पे रूम होगा, रूम देख लेना, रूम इज ऑल्सो लाइक क्यूब है, बशर्ते आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों को बराबर हो, ऊंचाई बराबर, तो मान चलो अपने रूम को विजुलाइज कर लो उसको, तो कि हर एक कोने के जो साइडें हैं उनमें एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको डायगोनल का बताना है। डायगोनल मीन्स ये वाले पॉइंट से 1 से 7 के बीच में रेजिस्टेंस लगाना है, हमको बताना है आर 1 7 बोल सकते हो, या आप बोल दो आर फोर सिक्स ये भी बोल सकते हो, या आप R53 बोल दो, R53 ये भी डायगोनल है, या आप बोल दो R28 देख सकते हो, नंबर में लिख दिया R17 इज डायगोनल, R46 इज ऑल्सो डायगोनल, R53 5 और 3 के बीच में, और R28 सबके सब डायगोनल है, इन सबके सब इक्वल होंगे क्योंकि ये सारे सारे R रेजिस्टेंस है, तो हमें R17 निकाले कोई एक निकाल ले हमें आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, ये सारे सारे डायगोनल है, जिसको जहाँ से निकाल ले वहाँ से निकाल सकता है, ओके। तो जैसे वो तो R17 निकालना है, R17 निकालना, तो R क्या करो, सबसे पहले काम करो, सबसे पहले काम क्या करते हैं, 1 और 7 के बीच में एक बैटरी जोड़ दो, सबसे पहले ये 1 और 7 के बीच में, देखिए ये 1 था, वी की बैटरी आई वी करंट मैंने जोड़ दिया, ठीक है, वी की बैटरी 1 और 7 के बीच में आई का करंट जोड़ दिया, ओके। क्वेश्चन कर रहा हूँ जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ओटक ने लिखा था, ठीक है, क्योंकि ओटक ही लिख रहे हैं क्वेश्चन, और कोई तो क्वेश्चन लिख ही नहीं रहा है, तो मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। पूछा गया है डायगोनल के बीच में रेजिस्टेंस बताइए, डायगोनल आपकी R17 है, R46 R53 R38 है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस मुझे 1 और 7 के बीच में देखना है, रेजिस्टेंस मुझे 4 और 6 के बीच में, 5 और 3 के बीच में, और 2 और 1 के बीच में, क्योंकि सारे सारे रेजिस्टेंस सिमेट्री है, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो ये चारों के बराबर होगा, तो कोई एक निकाल लो तो वो चारों के बराबर हो जाएगा। तो R17 हम वाले निकाल लें, कोई बच्चा 4 6 भी निकाल सकता है, 5 3 निकाल सकता है, 2 8 है, कोई भी आम में निकाल सकता है, कोई भी डायगोनल निकाल सकता है, एक क्यूब में 4 डायगोनल है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बी की बैटरी जोड़ दी, आई करंट जोड़ दिया, तो R17 क्या आ जाएगा, इसमें क्यूब है डी बाई आई, यही निकालना है ना, R17 कितना होगा, 1 और 7 बीच में क्या होगा, वोल्टेज वाइज करंट का रेशियो, इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, तो हमें वोल्टेज और करंट के रेशियो निकाल लेना है, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग कलर यूज कर लेते हैं, देखिए यहाँ से आई करंट जा रही है, आप विजुलाइज कीजिए, यहाँ से आई करंट जा रही है, 3 ब्रांचे मिल लेंगे, एक आर है, ठीक है, एक आर ब्रांच है और एक आर ब्रांच है, ये आर ब्रांच, ये आर ब्रांच और ये आर ब्रांच, और यहाँ पे कोई आई करंट जा रहा है, देख पा रहे होंगे, तो ये तीनों ब्रांचों में कैसा बटेगा, इक्वल I by 3 होगा कि नहीं होगा, एक आर आई करंट जा रहा है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस ब्रांच है, तो तीनों में I by 3 तो इधर भी I by 3 ओके I by 3 ओके। अच्छा ये I by 3 है, यहाँ I by 3 करंट जा रहा है, ये I by 3 करंट जा रहा है, ये करंट क्या हो रहा है, ये फर्दर 2 पार्ट में टूटेगा, कितनी करंट जा रही है इसकी, हाफ इधर
हाफ इधर का मतलब आई बाई थ्री बाई टू, ठीक, आई बाई सिक्स यहाँ पे करंट जाएगी और आई बाई सिक्स यहाँ पे करंट जाएगी, बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी ना, क्यों, आई बाई थ्री का भी हाफ, आई बाई सिक्स और आई बाई सिक्स जाएगा कि नहीं जाएगा, ओके देर चैटिंग हो जाएगा, यस ओके ओके ओके। अच्छा नीचे देखो आई बाई थ्री है, ये करंट जा रही है, ये भी दो पार्ट में बढ़ रही है, तो ये आई बाई सिक्स और आई बाई सिक्स में बटेगी नहीं बटेगी, बट जाएगी, ओके। यहाँ पे करंट देखो, एक आई बाई सिक्स करंट जा रहा है और यहाँ पीछे देखो आई बाई सिक्स जा रहा है, आई बाई सिक्स और आई बाई सिक्स कितना हो जाएगा, आई बाई सिक्स और आई बाई सिक्स दोनों जो है यहाँ पे ऐड होकर के यहाँ बाहर निकलेंगे, आई बाई सिक्स इधर से, आई बाई सिक्स इधर से, कैसे लगा के आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आई बाई सिक्स प्लस आई बाई सिक्स, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना आई बाई, ओके ओके ओके। चलो तो हम लोग लगा सकते हैं, आप क्या लगा सकते हैं, केवीएल, देखो केवीएल किस पार्ट में लगा रहे हैं, पाथ बता दे रहा हूँ मैं, केवीएल लगा सकते हैं, अब हम केवीएल लगा सकते हैं, केवीएल लगाना है वन से, देखो मैं पाथ बना रहा हूँ, वन पॉइंट था, वन से आर गया, आर चलो दूसरे पॉइंट से बनाता हूँ, देखो मैं केवीएल लगा रहा हूँ, वन पॉइंट लिया यहाँ चले, फिर आर रेजिस्टेंस का, आर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, वन से चले आर रेजिस्टेंस लिया, टू पे पहुंच गए, टू पे पहुंच गए, टू से चले सिक्स पे, टू से चले सिक्स पॉइंट पे पहुंचे, सिक्स पॉइंट पहुंचे और वहां पे कितना रेजिस्टेंस का आर का, सिक्स से चले सेवन पे, सिक्स पॉइंट चले सेवन पे और यहां पे भी आर का रेजिस्टेंस लगा हुआ था और वन और सेवन के बीच में क्या लगा हुआ है, वन और सेवन के बीच में एक बैटरी भी और आई का, आई का करंट और डीसी बैटरी, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, हमने कौन सा बात लिया, वन से टू गए, टू से सिक्स, सिक्स से सेवन, हमने यहाँ इस वाले पार्ट पे केबल लगा दिया, इस वाले पार्ट पे केबल लगा दिया, थैंक यू, तो इस वाले पार्ट पे केबल लगा दिया, यहाँ कितनी करंट जा रही थी, यहाँ करंट जा रही थी आई बाई थ्री, यहाँ कितनी करंट जा रही थी आई बाई सिक्स, यहाँ पे कितनी करंट जा रही है आई बाई थ्री, केवल लगा दीजिए, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो यहाँ से मान लीजिए चलते हम लोग, यहाँ से चले सबसे पहले हम प्लस मिला, प्लस प्लस साइन लगाया और कितना वोल्टेज होगा आर इंटू आई थ्री, आर इंटू आई थ्री, आर आई थ्री, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस वोल्टेज मिला और कितना वोल्टेज हो जाएगा आर इंटू आई बाई सिक्स, ठीक है, ये आई बाई थ्री है, ठीक है, आर इंटू आई बाई थ्री, यहाँ कितना रेजिस्टेंस आर है और आई बाई सिक्स की करंट है, आर इंटू आई बाई सिक्स, फिर उसके आप प्लस लगाएंगे, प्लस आर इंटू कितना करंट है आई बाई थ्री, तो आई बाई थ्री, ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, माइनस वी इक्वल टू जीरो, ये सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, आई थिंक दैट वी बाई आई हमको निकालना है, वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी बाई आई कितना आ जाएगा, वी बाई आई कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए आर बाई थ्री, आर बाई थ्री, आर बाई सिक्स कितना हो जाएगा, दिस इज सिक्स कॉमन हो जाएगा, लेट्स सपोज दैट, तो ये टू आर बाई थ्री, तो ये फोर, फोर प्लस वन फाइव बाई फाइव आई आर, ठीक है, ये क्या है बेसिकली आई वी बाई आई इज आर वन सेवन, तो फाइव आर बाई सिक्स इज माई आंसर, तो ऑप्शन वन से करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, गेटिंग माय पॉइंट, बट डाउट इन क्वेश्चन में वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, बस विजुअलाइजेशन कहाँ करना था, आई करंट, करंट का जो डिवाइडेशन है ना उसमें जाना था, बस वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट के वे, जस्ट के वे, समझ में आया क्या, समझ में आया,
आज ससुर बच्चे कम है, आज ससुर बच्चे कम है, आज संडे मना रहे कोई बच्चे, कोई बात नहीं बता दे तो मैं क्लास ही में रखता, बता दिया करो कि नहीं पढ़ना है सर संडे को, मैं क्लास ही में रखता। चलो समझ में आया क्या? व्हाट इज सर, सर यू हैव सॉल्व इट इन वेरी सिंपल मैनर। ओके थैंक यू ऑटो, थैंक यू। ठीक है, देखो तरीके आई होते हैं, बुक्स में वही लिखा होता, शब्द का वही लिखा होता, बट हमें कैसे पढ़ना है, हमें अपने ऐसा पढ़ना होता है जिससे हम इजीली समझ पाए। तो हमेशा मैं भी वही अडॉप्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट मैं कभी बताता ही नहीं, क्योंकि ना मुझे समझ में आता है बड़ी चीज़ें, ना हमें समझा पाता हूँ बड़ी चीज़ें, तो हमें हमेशा आसानी पकड़ना है चीज़ें। तो अच्छा है, सो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मेरा तरीका बहुत सिंपल था, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। खैर आगे चलते हैं, अपने मेन टास्क पे चलते हैं, मेन कोर्स पे चलते हैं। आई थिंक दैट सब बच्चों को आ गया, एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दो सब बच्चों को आ गया। चलो ऑटोक कोई नहीं, ऑटोक का क्वेश्चन था बट ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सबको समझ में आना चाहिए। ओके, आई गॉट कंफ्यूज बाय सीइंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन द बुक, थैंक यू सर। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऑटो को कह रहा हूँ कन्फ्यूज हो गया था बुक का सोल्यूशन देखो तो। अरे हर चीज बुक पढ़ा देती है, टीचर का क्या मतलब होता है ना, इसलिए टीचर यहाँ पे ही काम आते हैं। टीचर का मतलब है क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे बुक से अलग अलग सॉल्यूशन, एक ही क्वेश्चन के कई तरह के सॉल्यूशन देखे हैं, तो उसका हम कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, थैंक यू। तो ठीक है, तो हम मेन कोर्स में आते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के कोर्स में आ रहे थे, और हम लोगों ने पिछली बार लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एवरेज वैल्यू निकालना, आरएमएस वैल्यू निकालना, पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, फॉर्म फैक्टर वगैरह निकालना सीखा था। फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड वेव फॉर्म के लिए देख रहे थे, डीसी के लिए हमने देख लिया था और एक साइन वेव के लिए देख लिया था। ठीक है, ठीक है, तो ओके देयर इज समथिंग, व्हाट इज दिस, there is some question given by some student, बच्चे मुझे ना आपका ना राइटिंग का थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, मैं ना इसका ना बाद में आपको आंसर दूंगा, ये बच्चे ने मुझे भेजा है क्वेश्चन बोम्यान। ठीक है, मैं इसको ना पढ़ना पड़ेगा, मुझे आपकी राइटिंग का थोड़ा सा इशू लग रहा है, मैं इसको पढ़ के बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी मैं क्लास आगे कर लूँ, तो दो दो क्वेश्चन अगर लगेंगे ना तो क्लास 17 मिनट हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो क्लास आगे बढ़ाते हैं, ये मैं ना थोड़ा सा बाद में देख लेता हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, मैं आसान दूंगा इसको, है इसको मैंने देखना पड़ेगा ये कि इसको मुझे समझ नहीं आ रहा था, स्क्रीन जो है ना बड़ा करना पड़ेगा इंग्लिश, तब मुझे सफाई दिखाई पड़ेगा, या तो आपने क्वेश्चन अच्छे से लिखा होता। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं इसको देख लूँगा। ओके, क्या नाम था आपका, बोम्यान है। ठीक है, मैं आपका आंसर दूंगा। ठीक है, पहले ये आगे कोर्स करा लें, तो और बच्चे कहेंगे सर अकेला क्वेश्चन ही करा रहा हो क्या। चलो अब हम हेडिंग डालिए हाफ वेव, हाफ वेव ये भी पूछ लेते हैं, रेक्टिफाइड आउटपुट, हाफ वेव रेक्टिफाइड, या हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसका एक आउटपुट होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, एक फुल साइन वेव को क्या करता है, एक फुल साइन वेव कैसी होती है, जैसे मान लीजिए इसका फुल साइन वेव है, ये फुल साइन वेव, और अगर हाफ वेव रेक्टिफायर से इसको निकाल लें, पास कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, केवल हाफ वेव मिलेगा, या तो पॉजिटिव हाफ मिलेगा या निगेटिव हाफ। लेट सपोज दैट हम केवल पॉजिटिव हाफ ले रहे हैं, तो हमारे पास जो आपके पास जो क्या कहते हैं वेव फॉर्म का जो इमेज आएगी वो किस इस तरीके से होगा, निगेटिव वाले ख़त्म हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं हाफ वेव। मीन जीरो से टू पाई, जीरो से पाई आपको वेव फॉर्म मिल रही है, जीरो से पाई से टू पाई आपको वेवफॉर्म नहीं मिलेगी, इसी तरीके से टू पाई से थ्री पाई आपको वेवफॉर्म मिलेगी, थ्री पाई से फोर पाई आपको वेवफॉर्म नहीं मिलेगी, तो हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट। आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा इस चीज़ें, हाफ वेव रेक्टिफायर वगैरह, मैं उसके डिटेल में जाऊँगी कैसे होता है वगैरह, वो इलेक्ट्रॉनिक अपोर्शन है। ठीक है, बट इसकी कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, याद रखो इसका जो आर एम एस वैल्यू होता है, मान लीजिए ये वोल्टेज है, वी आर एम एस वैल्यू होता है, इसका वी आर एम एस वैल्यू थोड़ा सा अलग होता है, वी एम बाई रूट टू नहीं होता, वी एम बाई टू होता है, याद कर लो। कैसे आया है,
वो आप फॉर्मूले में रख दोगे तो भी निकाल लोगे, बेटर कि हमसे तो पूछे थे नहीं है, बेटर है कि याद कर लो। ओके वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई टू एंड वी एवरेज जो निकलेगा इसका इट इज नथिंग बट वी एम बाई फाइव, वी एम बाई फाइव। अगर ये वोल्टेज सोर्स मान के लो, ये मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है, इट इज नथिंग बट वी एम साइन ओमेगा टी, अगर मान चलिए। अगर ये करंट सोर्स होता दैट इज आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी होता, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई आर एम एस क्या होता है मेरा आई एम बाई टू, एंड एवरेज क्या होता है आई एम बाई फाइव, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ रूट टू लगा देते हैं, हाफ वेव में बाई टू होता है, रूट टू नहीं होता, ठीक है, बाई टू होता है, रूट टू नहीं होता। ओके याद रखिएगा बाई टू होता है, ठीक है। तो इसका निकालते हैं पीक फैक्टर, पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, वी मैक्स मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आर एम एस, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वी एम, आर एम एस वैल्यू कितनी है वी एम बाई टू, कितना आ जाएगा टू, पीक फैक्टर याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या होता है आर एम एस बाई एवरेज, है ना, तो आर एम एस कितना है इज नथिंग बट वी एम बाई टू, एवरेज क्या है वी एम बाई फाइव, तो ये कितना आ जाएगा फाइव बाई टू, फाइव की वैल्यू फोर थ्री पॉइंट वन फोर, तो ये समथिंग आ जाएगा वन पॉइंट फाइव सेवन, ठीक है, याद कर लोगे। ओके अच्छा पीक टू पीक भी आता है, पीक टू पीक, पीक टू पीक मतलब एक पीक से दूसरे पीक के बीच में, ये पीक मान लीजिए वी एम है तो पीक टू पीक कितना हो गया वी एम, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई साइन वेव है इस तरीके से है, फुल वेव है, तो उसका मान लीजिए वी एम है और ये माइनस वी एम है, तो इसका वी पीक टू पीक कितना हो जाएगा, पी पी मतलब पीक टू पीक कितना हो जाएगा, एक पीक से दूसरे पीक के बीच में कितना वोल्टेज है, एम्पलीट्यूड कितना है, तो ये वी एम एक पीक है, दूसरा नेगेटिव पीक, पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक के बीच में कितना है वी एम, और इधर ऊपर वी एम नीचे वी एम, तो कितना हो जाएगा टू वी एम, ठीक है। वहाँ पर लिख लेना जो मेन वेव फॉर्म थी ना कल पढ़ाया था साइनस सिग्नल के लिए, उसका पीक टू पीक कितना होता है टू वी एम, ठीक है, इसका पीक टू पीक कितना होता है वी एम, ठीक है। तो इसका पीक फैक्टर भी हाई होता है और फॉर्म फैक्टर भी हाई होता है, ठीक है। वहाँ कल पढ़ाया था उसका पीक फैक्टर कितना था, उसका रूट टू था, इसका टू है, ठीक है, और वहाँ पर फॉर्म फैक्टर कितना था 1.11, यहाँ पर 1.57, तो दैट इज ड्रॉबैक, ये फॉर्म फैक्टर ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो याद रखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर फुल वेव से ज़्यादा होता है, सॉरी नॉर्मल साइन वेव से ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। आगे चले, चलिए आ गया समझ में, देखिए ये फॉर्मूले के लिए हमको याद करने हैं, ठीक है, थैंक यू तो ये फॉर्मूले के लिए याद करने हैं हमको, ठीक है, और कुछ नहीं। ओके चलिए आगे, अब हम लेते हैं फुल वेव रेक्टिफाइड, ओके फुल वेव रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड का मतलब क्या होता है, बेसिकली यूनिपोलर होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए, तो पॉजिटिव पोल हो या नेगेटिव हो, समथिंग। फुल वेव रेक्टिफाइड में कैसा होता है, जैसे आपकी नॉर्मल वेवफॉर्म जैसे होती है इस तरीके से होता है साइन वेव। फुल वेव में क्या होता है, आप एक साइड लेते हो, जैसे बोलते हैं आप पॉजिटिव साइड ले रहे हो, तो जीरो से पाई आपका वेव फॉर्म मिलेगा, नो प्रॉब्लम, बट पाई से टू पाई अगर पॉजिटिव फुल वेव रेक्टिफायर ले रहे हो, तो पाई से टू पाई जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, टू पाई से थ्री पाई ऑब्वियसली मिलेगा, बट थ्री पाई से फोर पाई जो नेगेटिव हो रहा था वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, जस्ट लाइक मॉड लगाते हैं, मॉड टाइप का, ठीक है। तो आपके जो निगेटिव वाली पीक से एक्चुअली पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में क्या होता है, निगेटिव वाली खत्म हो जाती है, जरूरी नहीं कि निगेटिव वाली खत्म हो, हम एज लिख लें कि ये पॉजिटिव वाला है, इसको भी फुल वेव रेक्टिफाइड बोलेंगे, बस ये निगेटिव फुल वेव रेक्टिफाइड दोनों चीज़ें होती हैं, इसको भी सेम ही चीज़ बोलेंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग फुल वेव रेक्टिफाइड ही बोलेंगे, बस ये निगेटिव साइड में बनाए, ये पॉजिटिव साइड में बनाए, इसका मतलब है एक साइड में फुल साइकिल में आपको मिलेगा, वहाँ पे क्या हाफ साइकिल में मिल रहा था आउटपुट,
यहाँ पे फुल पैकिंग मिलेगा, बट दोनों में एक ही था कि वहाँ पे या तो पॉजिटिव मिलेगा केवल या तो निगेटिव मिलेगा, यहाँ पे भी केवल पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा, बट ये फुल साइकिल मीन जीरो से टू साइकिल मिलेगा, वहाँ पे जीरो से फाइव किलो मिलेगा, इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये वोल्टेज वेवफॉर्म है, दैट इज डीएम साइन ओमेगा टी टाइप का है, तो इसका जो आरएमएस होगा विच इज सेम एज साइनसोइडल निकाला था डीएम बाई रूट टू, और इसका जो एवरेज होगा विच इज ऑल्सो सेम एज हम लोगों ने उसके लिए निकाला था आरएमएस के लिए, कितना निकाला था, कितना निकाला था आरएमएस के लिए टू वी एम बाई फाइव, तो इसका भी सेम होगा टू वी एम बाई फाइव। ठीक है, ओके रेडी, तो इसका पीक फैक्टर क्या हो जाएगा, निकालो वी एम अपॉन वी आर एम एस, तो वी एम अपॉन वी एम बाई रूट टू, तो रूट टू ही हो जाएगा, और इसका फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा, आप डालो आर एम एस अपॉन एवरेज, कितना हो जाएगा RMS is nothing but Vm by root 2, average is nothing but 2 Vm by 5, so it's something 2 pi by 2, so this is nothing but 1.1, ठीक है, but इसका peak to peak कितना होगा, peak to peak कितना होगा, देख रहा हूँ अगर ये Vm है, तो peak to peak कितना है, Vm, but sinusoidal में peak to peak कितना था, 2 Vm, तो फुल वेव रेक्टिफायर और साइनसोडियल सिग्नल का सब कुछ सेम होता है, बस ये पीक टू पीक वाला है वो चेंज होता है, ये साइनसोडियल के लिए था, साइनसोडियल के लिए, और ये है फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट एवरेज द्वारा बनता है, तो इनका और चीज चीज सेम होता है बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये अलग होता है। ठीक है, जा सकते, ठीक है, लिख भी लीजिएगा कि ऑल आर चीज ऑल पैरामीटर आर सेम बिटवीन साइनसोइडल एंड फुल वेव रेक्टिफायर इंस्टेड ऑफ पीक टू पीक वोल्टेज इन साइनसोइडल इज 2 Vm एंड पीक टू पीक वोल्टेज इन फॉरवर्ड सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट इज Vm, गेटिंग माय पॉइंट, आ गया क्या, हाँ जी, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, सब लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, पढ़ लिया है तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी अच्छी बात है, हम पढ़ा रहे हैं, है ना, आ गया, दूसरे लोग को आया कि नहीं आया, और तो इनको काफ़ी बार बोल दिया मुझे कि हाँ थम दिखा दिया आ गया, दूसरे लोग भी मुझे बताएं इनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, क्या बोलते हो भाई साहब, कुछ तो बोल दो, है? आया, बताओ मुझे सब लोग और कहाँ गए, और कहाँ है नीलम, केकी, नीचा, बोम्या, विवो, कहाँ गए सब लोग, ओके यस सर, यस सर, ओके, अच्छा एक बात है और सब लोग मुझे बोलना पड़ता है, बच्चे खराब लगता है ना जब आप टीचर पढ़ाता है और टीचर को पता नहीं चलता है कि आप लोग को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ऑफलाइन होता तो मैं आप लोग को पूछता ही नहीं, मैं आपके चेहरा देख कर पहचान जाता कि आपको पढ़ना है कि नहीं, अब ऑनलाइन ऐसा पूछना पड़ता है, चलो खैर मेरा तो फर्ज है कि मैं आपको पूछूँ तो मैं चोरे पूछूँगा, खैर तो नेक्स्ट लेते हैं ट्रायंगुलर टाइप, ट्रायंगुलर टाइप, लेट सपोज ट्रायंगुलर टाइप में रैम टाइप लेते हैं, रैम टाइप, रैम टाइप कैसा होता है, इस तरीके को सिग्नल होता है, एक रैम की तरह गया और नहीं रैम नहीं सातूत लेते हैं, रैम तो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसको ना रैम टाइप में लिखो उसको सातूत ले लो, रैम तो इन्फाइनाइट होता है, रैम का नहीं बनेगा, सातूत, सातूत टाइप, सातूत कैसा होता है, जैसे आरी देखी ना उसको सातूत बोलते हैं, आरी के दांत होते हैं ना, आरी तुम देखे ना सौ देखे ना,
उसकी तरह होता है। तो शाहतूत में कैसा होता है, इस तरीके से गया और इस तरीके से, तो ये इस तरीके से बोलने चलता है, एकदम से रैम की तरह गया और फिर जीरो हो गया, एकदम रैम की तरह गया जीरो हो गया, रैम जीरो रैम जीरो, इसे शाहतूत सिग्नल बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं दिस इज वी एम, दिस इज टी, वी एम बी वर्सेस टी, तो ये इसका मैक्सिमम वी एम है। तो शाहतूत टाइप का अगर आपके पास आया तो याद रखना उसका जो आरएमएस होता है, मैं निकालूंगा नहीं, सिंपली हमको याद करना है वीएम बाई रूट थ्री होता है, एवरेज होगा वो होगा वीएम बाई वीएम बाई ओके ठीक। आरएमएस देखो जितने भी ट्राइंगल टाइप के, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ट्राइंगल ये जितने ट्राइंगल होते हैं ना उनका आरएमएस ऑलवेज वीएम बाई रूट थ्री होता है। अभी और भी ट्राइंगल दिखाएंगे, तो जैसे मान लीजिए आपका आपके पास इस तरीके का है, इस तरीके से वेव फॉर्म, इस तरीके से वेव फॉर्म, लेट्स सपोज दिस इज वीएम, दिस इज माइनस वीएम, लेट्स सपोज दिस इज वी वर्सेस टी। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो इसका भी आरएमएस कितना आएगा, वीएम बाई रूट थ्री, सॉल्व करोगे यही आएगा, बट मुझे सॉल्व करने से मतलब नहीं है, मुझे तो बस क्वेश्चन ऐसा टाइप का आया आया हुआ है तो आपको सॉल्व करने पढ़ने बैठ जाओगे, आरएमएस का फॉर्मूला लगाओ समथिंग, आपको डायरेक्ट आना चाहिए कि देखो एक ट्रायंगुलर टाइप का लग रहा है, ट्रायंगुलर टाइप का मतलब वीएम बाई रूट थ्री है, देखिए ट्रायंगुलर टाइप देख रहा तो वीएम बाई रूट थ्री होगा, ये मान लीजिए सेकेंड वाला वी, दिस इज रैम का, दिस इज ट्रायंगुलर का, तो इसका एवरेज हो गया, आरएमएस हो गया, पीक टू पीक कितना होगा, पीक टू पीक देखिए वीएम से नीचे कहाँ जा रहा है, जीरो तक जा रहा है, तो पीक टू पीक वीएम होगा, और देखिए पीक टू पीक वीएम होगा, और पीक फैक्टर कितना हो जाएगा, वी मैक्स, वी मैक्स यहाँ पे कितना है, वीएम है, वीएम अपॉन वी आरएमएस, आरएमएस कितना है, वीएम बाई रूट थ्री, तो कितना आ जाएगा रूट थ्री। और फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस अपॉन एवरेज, आरएमएस है वीएम बाई रूट थ्री, एवरेज है वीएम बाई टू, कितना आ जाएगा इज नथिंग बट टू बाई रूट थ्री, टू बाई रूट थ्री, फॉर्म पर कितना आ जाएगा टू बाई रूट थ्री आया। चैट पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस काम भी कर दिया करो, आगे सामने बस सिंपली याद कर लो, बाई हार्ट कर लो, ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, मतलब आपको क्या बताओ कि हर दूसरे साल में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इस टाइप के, आर एम एस वैल निकालो, एवरेज वैल निकालो, और बच्चे सॉल्व करने बैठ जाते हैं, बुक्स में भी देखोगे कहीं भी एवरेज आर एम पूछा जाएगा तो उसमें सोल्यूशन दिया है, मैं सोल्यूशन पर नहीं जाता हूँ, क्योंकि हमें तो कंपटीशन सॉल्व करना है ना, हमें तो रैंक उससे मतलब है, तो हमें सिंपली याद होना चाहिए, नोट ओके। ओके चलो इसको इसको दफा दफा करते हैं, आगे चलते हैं, इस वाले में चलते हैं, इस वाले चलते हैं। Let's suppose that this is 3 by 2 टाइमिंग की देते हैं, ये आपका टाइम पीरियड मान लीजिए टी है, तो ये कितना जगह टी बाई टू है ना, और ये कितना जगह टी, ये कितना जगह थ्री टी बाई टू, ये कितना जगह टू टी, समथिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ओके। तो टी बाई टू टी टी ये मैंने बोल दिया, तो अगर मान लीजिए इसका टाइम पीरियड टी है तो ये कितना जगह हाफ है टी बाई टू, टी बाई टू, तो इसका आर एम एस बता दिया वी एम बाई रूट थ्री, एवरेज, एवरेज क्या हो जाएगा, याद रखो कोई भी सिमेट्रिक सिग्नल है, कोई भी सिमेट्रिक सिग्नल है, देखिए जितना ये पॉजिटिव पार्ट है उतना ये निगेटिव पार्ट है, तो अगर एक टाइम पीरियड के अंदर कोई ऐसा सिग्नल मिल रहा है जिसका पॉजिटिव निगेटिव पार्ट दोनों एरिया बराबर हो गए तो उसका एवरेज ऑलवेज जीरो हो जाता है, फॉर फुल टर्म पीरियड, फॉर जीरो टू
कैपिटल टी पीरियड या फुल साइकिल, उसका टाइम पीरियड सॉरी उसका एवरेज जीरो होता है, याद करो। जब साइन वेव ले रहे थे तो उसका भी जब जीरो से टू फाइव ले रहे थे तब क्या होता, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बराबर एरिया हो रहे थे तो एवरेज जीरो हो रहा था। जी एवरेज क्या हो रहा था, साइन वेव के लिए जीरो आ रहा था, ठीक है। बट जीरो से पाई के लिए कितना रहता, इज नथिंग बट टू वी एम बाई पाई है। जीरो से पाई के लिए हाफ साइकिल के लिए आ रहा था, फुल साइकिल जीरो हो रहा था। ये भी इसे देखो पॉजिटिव निगेटिव इसका एरिया सेम है तो फुल साइकिल के लिए जीरो हो जाएगा, याद रखा करो। कुछ चीजें हैं क्वेश्चन अलग तरीके, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, ये कुछ ऐसा है, इस तरीके क्वेश्चन आ गया। ये मान लीजिए टी बाई टू है, ये टी है और कोई ऐसा सिग्नल है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर सिग्नल या स्क्वायर सिग्नल, स्क्वायर सिग्नल बोलते हैं इस तरीके से। तो उसका एवरेज पूछे तो बस सिंपली देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर हैं तो फॉर फुल साइकिल जीरो से टी उसका एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो। एवरेज क्या हो जाएगा, ओके, उसका एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसका पॉजिटिव नेगेटिव एरिया अंडर द कर्व इक्वल आ रहा है तो चेंज हो जाएगा, ओके। एरिया सेम होना चाहिए, जितना ये होना चाहिए, मान लीजिए ये वी एम है तो उतना ये भी होना चाहिए, माइनस वी एम तब काम चलेगा, एरिया सेम होना चाहिए। चलिए अच्छा, मान लीजिए फॉर जीरो टू टी बाई टू हाफ साइकिल के लिए, फॉर जीरो टू टी बाई टू वी एवरेज जीरो नहीं होगा, वो याद कर लेना वो वी एम बाई टू होगा। जैसे वी एम बाई टू हमने शॉर्ट रूट निकल लिया था, जितने भी ट्रैवलर टाइप के होंगे उनका वी एम बाई टू होगा, ठीक है। पीक टू पीक कितना आ जाएगा, वी एम से वी एम कितना आ जाएगा, इधर वी एम इधर वी एम टू वी एम, ठीक है। पीक फैक्टर कितना आ जाएगा, इज नथिंग बट वी एम मैक्स बाई आर एम एस, वी मैक्स वी एम है, आर एम एस देखिए कितना है, वी एम बाई रूट थ्री, तो रूट थ्री हो जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा, फॉर्म फैक्टर कितना आ जाएगा, आर एम एस अपॉन एवरेज, तो फॉर्म फैक्टर हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, फुल साइकिल तो एवरेज जीरो ही हो रहा है, हाफ साइकिल का आर एम एस कितना हो जाएगा, वी एम बाई रूट थ्री और एवरेज कितना है, वी एम बाई टू, तो कितना हो जाएगा, टू बाई टू आया था उन्हें। मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो आपको आना चाहिए ना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। थैंक यू सर, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जितनी चीज़ें मैंने बताई ना ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को आइडिया लगना चाहिए। कभी कभी हमें ना आंसर कैसे आया है ये नहीं आना चाहिए, आंसर कितनी जल्दी हम निकाल सकते ये आना चाहिए। तो ये सब आपको एक नंबर का क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व नहीं करोगे, बस आपको याद होना चाहिए इसको डायरेक्टली, यही रिपीट करते बार 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 बार, ठीक है। तो अभी आप लोग को लग रहा है सर ये तो फॉर्मूला आप रटवा दे रहे हो, बट ये आप देखोगे कि यही क्वेश्चन बार बार दूसरे तीसरे साल में पूछ ही लेते हैं, पूछ ही लेते हैं, नहीं विश्वास है ना, तो कितने भी क्वेश्चन बैंक उठा ले, देख लो जेई के जो पेपर आए ना कहीं से मिले, देख लेना आए ही क्वेश्चन आए हुए ही है। चलो आगे चले, वही वाली सिग्नल लेते हैं स्क्वायर सिग्नल, जैसे एफ एल सिग्नल वही बनाएगा, तो इसे मान लीजिए ये वी एम है, दिस इज माइनस वी एम, दिस इज बी वर्सेस टी, ये टी बाई टू है, ए टी है, इस सिग्नल बोलते हैं स्क्वायर सिग्नल, स्क्वायर टाइप, स्क्वायर टाइप, ये थर्ड नंबर होगा, ओके थर्ड नंबर स्क्वायर टाइप। स्क्वायर टाइप का याद रखिएगा एवरेज बताया कितना हो जाएगा, एवरेज बता चुका हूँ कितना जाएगा, ये एवरेज जीरो, किसके लिए, फॉर फुल साइकिल जीरो से टी, जीरो से टी फॉर फुल साइकिल इट इज जीरो, एंड हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, जीरो से टी बाई टू, एवरेज इज नथिंग बट ना एरिया अंदर तक कर, तो हाफ साइकिल कितना एरिया है, इट इज नथिंग बट वी एम इंटू टी बाई टू, वी एम इंटू टी बाई टू एरिया अंदर तक सॉरी एवरेज मतलब होता है
एरिया अपॉन टाइम पीरियड, तो इसका क्या एरिया कितना आ जाएगा, नथिंग बट वी एम बाई टी बाई टू, है ना, वी एम बाई टी बाई टू, टाइम टाइमिंग कितना लगा है टी बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा वी एम, ये हम क्या बोल सकते हैं एवरेज क्या हो जाएगा वी एम, तो इसका एवरेज क्या है वी एम, वी एम इसका आर एम एस भी जब निकालोगे तो वी एम ही आता है, याद कर लो इसका एवरेज आर एम एस सब कुछ वी एम होगा, सब कुछ वी एम होगा, उसका पी फैक्टर क्या हो जाएगा इन नथिंग बट वी एम अपॉन वी आर एम एस, वी एम बाई वी एम कितना हो जाएगा वन, एंड पावर फैक्टर कितना हो जाएगा वी आर एम एस बाई वी एवरेज, तो वी एम बाई वी एम वन, पी फैक्टर को क्रश फैक्टर भी बोलते हैं, कल पढ़ाया हुआ था, ठीक है समझना है आप क्या, ये तब के लिए जब पी बाई टू और पी है अलग अलग होगा तो अलग अलग देखिए, ये तब के लिए जब पी बाई टू और पी है, ओके नहीं आए आगे, ओके थैंक यू, मान लीजिए अलग अलग हो, मान लीजिए इस तरीके से आपको आपको क्वेश्चन हो दिस वे कि एक आपका आपका पास हाफ वेव टाइप का है, इस तरीके क्वेश्चन हो, और लेट सपोज दैट ये मान लीजिए आपका है वी एम वी वर्सेस टी, इस तरीके की सिग्नल दिया है, और मान लीजिए ये बोल रहा है इतनी वैल्यू एक्स है और इतनी वैल्यू वाई है, दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो इसका एवरेज हमेशा रखना, इसका एवरेज कितना हो जाएगा इज नथिंग बट वी एम इंटू एक्स बाई वाई, इसका आर एम एस याद रखना वी एम अंडर रूट एक्स बाई वाई, फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ इस तरीके से आपके पास एक वेव फॉर्म है, दिस इज थ्री दिस इज फाइव अगेन दिस इज रिपीटेड एट, इस तरीके से दिस इज आल्सो नाइन, इस तरीके से एक वेव फॉर्म गिवन है और ये टेन दिया है वी वर्सेस, तो ये देखिए ये फॉर ये वेव फॉर्म सेम सिमिलर है, यहाँ वी एम कितना हो जाएगा टेन, एक्स कितना हो जाएगा दिस इज एक्स एंड दिस इज y, x कितना है 3, y कितना है 5, यहाँ से एवरेज कितना निकलेगा इसका फॉर्मूला रखना बस 10 अपॉन 3 बाई 5, आर एम एस कितना आ जाएगा नथिंग बट 10 अंडर रूट एक्स वाई वाई मीन 3 बाई, बच्चे ऐसे क्वेश्चन आए थे घबरा जाते हैं सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये फॉर्मूला याद रखो ऐसे क्वेश्चन के लिए, ये फॉर्मूला बस ये एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करेगा क्वेश्चन में, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है सॉल्व नहीं करना शॉर्ट टिक लगाना है, समझ में आया नहीं आया आ गया, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की मैंने थ्री बाई टू सॉरी ये दिस इज थ्री बाई टू और फिर ये थी थ्री बाई टू ऐसे की वेन है, ये वी एम है, बताओ सब लोग, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, बताओ सब लोग एवरेज कितना होगा आर एम एस कितना होगा, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए एवरेज आर एम एस जल्दी बताओ, एक्स की वैल्यू टी बाई टू आ जाएगी वाई की वैल्यू टी आ जाएगी, बताओ जल्दी एवरेज कितना आएगा आर एम एस कितना आएगा, समझ में आ रहा है क्या, नहीं आया ना सबसे बताना, नहीं आया जल्दी बताओ सब लोग बताओ, सब बताओ चलो उसके सब बताओ, एवरेज बताओ आर एम एस बताओ इसके सब कुछ बताओ, वी पीक टू पीक बताओ, पी एफ बताओ,
एफईएफ बोलो या सीएफ बोल दो और एफएफ बताओ, पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर सब कुछ बताओ इस क्वेश्चन के लिए, बताओ जल्दी कहाँ गए सब, तो गए ऐसे क्लास नहीं हो पाएगी, मजा नहीं आ रही, बच्चे बोल नहीं रहे, आंसर नहीं दे रहे, मजा नहीं आ रही, फिर तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली इमेज डाल दूंगा, नोट्स यहाँ पे स्क्रीन पे लगाऊंगा, पढ़ पढ़ के पढ़ाना शुरू कर दूंगा, आंसर नहीं दे रहा आज। वी आर एम एस गोटफ ने बोला वी एम बाई रूट टू, ओके गुड गोटफ, गोटफ ने बोला आर एम एस इज वी एम बाई रूट टू, और बोलो बोलो, किसी ने कॉपी नहीं उठाई है मुझे लग रहा है, किसी ने कॉपी नहीं उठाई है, कॉपी पेन लेके बहुत ही कम बच्चे बैठे, जो भी कॉपी पेन लेके बैठा होता अभी तो आंसर दे देता मुझे, कॉपी पेन लेके बहुत कम बच्चे बैठे, ऐसा क्या हो रहा है, नहीं मैंने क्या क्या देगा, वी एवरेज है और तक तो बोला वी एम बाई टू, सब कुछ और तक ही बोलना है, अरे बच्चे एक्स कितना है टी बाई टू, पढ़ के बता दिया, वाई कितना है टी, फॉर्मूले में रखो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज वी एम इंटू टी बाई टू अपॉन टी कितना आ जाएगा, वी एम बाई टू, आर एम एस कितना आ जाएगा, वी एम अंडर रूट एक्स कितना है टी बाई टू अपॉन टी कितना आ जाएगा, वी एम बाई रूट टू, सही बताया और तो क्यों, वो तो मुझे ही बताया, ओके ओके हो सब कौन आ गया आपको आ रहा है, पिक टू पिक कितना हो जाएगा वी एम, यहाँ से पिक टू पिक देखो फॉर्म फैक्टर क्या हो जाता है, वी एम अपॉन वी आर एम एस, वी एम अपॉन वी आर एम एस इज नथिंग बट वी एम बाई रूट टू, कितना आ जाएगा रूट टू, कौन आया क्या हो जाता है वी आर एम पिक फैक्टर, वी एम अपॉन वी आर एम एस इज वी एम बाई रूट टू, तो कितना रहेगा जिसे नथिंग बट रूट टू, जिसे नथिंग बट रूट टू, फॉर्म फैक्टर कितना रहता है, फॉर्म फैक्टर कितना रहता है, इज नथिंग बट आर एम एस अपॉन एवरेज, आर एम एस आपका आपका पास कितना है वी एम बाई रूट टू, एवरेज आपके पास है वी एम बाई टू, तो कितना जाएगा रूट टू, तो कौन सा उसमें रॉकेट साइंस है, रॉकेट साइंस है क्या, चलो मान चल रहा हूँ कर लिया, चलो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो ऐसा मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए, सबका रिस्पॉन्स चाहिए, मान लीजिए एक एक आपके पास वेवफॉर्म गिवन है जी वर्सेस टी, ये वेवफॉर्म इस तरीके से है, एक सातूत है ठीक है, तो मेरा अच्छा नहीं होता था ठीक है, इस तरीके से वेवफॉर्म गिवन है, सात इंच वेवफॉर्म है मान चलो, और ये इसका गिवन है 50 वोल्ट, ये 10 सेकेंड है 20 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड इस तरीके से चल रहे थे ठीक है, इसने पूछा है पावर टुवर्ड लोड पूछा है, लोड पावर टुवर्ड लोड पूछा है, और लेट्स सपोज है लोड पे जो रेजिस्टेंस है आर एल है वो आपका है 10 ओम, तो पावर कितना होता है वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे वोल्टेज लेते हैं वो हमेशा आर एम एस लेते हैं, तो बताओ मुझे पावर पी एल कितनी हो जाएगी, आर एल, तो आर क्या है यहाँ पे आर एल, ये आर एम एस लिखा है, तो इस फॉर्मूले में क्या हमको चाहिए वी आर एम एस चाहिए, वी आर एम एस बताओ सब लोग बताओ आंसर बताओ मुझे, पी लोड पी एल कितना आएगा, आर एल मैंने लिख दिया, एक लोड रेजिस्टेंस दिया गया 10 ओम का है, और पूछा गया है लोड पावर बताओ, और सब फॉर्मूला लिख दिया वी आर एम एस कॉल स्क्वायर इंटू आर एल,
और जो VRMS है वो एक वोल्टेज वेवफॉर्म दिए मैंने सातुच सातुच की मैंने क्या होता है कि VRMS कितना होता है एक सातुच के लिए। तो बच्चे कभी एक बार टफ है कभी देखा नहीं अब इसकी कैसे निकालेंगे पावर वगैरह कैसे निकालोगे क्या हुआ ओके उसने बोला है 28.867 उन्होंने बोला है 28.867 क्या बोला है वोल्टेज बोला है क्या ओके इन्होंने वोल्टेज बोला है सर वोल्ट बोला है ओके वी आर एम एस बोला है इन्होंने 28.67 वोल्ट वी आर एम एस कितना हो जाएगा Vm/√3 अभी लिखाया था Vm कितना है 50 by √3 √3 1.75 समथिंग आएगा तो वो आंसर आ जाएगा 28.67 जस्ट फॉर्मूला दीजिए तो पी लोड कितना आ जाएगा नथिंग बट वी आर एम एस इज नथिंग बट 28.67 का होल स्क्वायर अपॉन 10 कितना आ जाएगा नियरली 83.33 वाट समथिंग आएगा बोम मियान ने चलो बोला वोटॉक ने बोला सही है चलो तो एक बच्चे ने बोला बोम मियान ने बोला समझ गए कोई टफ क्वेश्चन था क्या ट्रस्ट मी इतना टफ बोला जाता है जब भी एक वेवफॉर्म आ जाती है और उसमें पावर कोई पूछ लेता तो याद रखो बड़ा टफ हो जाता है ना टीचर भी कहते हैं बड़ा भारी क्वेश्चन आ गया वैसे भी दूसरे क्वेश्चन में तो पढ़ा होगा वो भी कहते हैं बड़ा भारी क्वेश्चन है बड़ा भारी क्वेश्चन भारी क्वेश्चन कुछ नहीं उसको कॉन्सेप्ट लगाना है ये क्वेश्चन कहाँ से आया ये क्वेश्चन पूछ कह रहा है आर एम एस बोला तो पता है ट्रायंगुलर वेव करके जो भी वेवफॉर्म जो रैम टाइप की होगी ट्रायंगुलर टाइप की होगी नहीं पता है तो नहीं करेंगे ठीक है लगा लोगे आगे चले 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 एक काम करते हैं अभी ना अनम्यूट हो जाइए किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ अनम्यूट हो जाए सब लोग हो जाए अनम्यूट ठीक है अभी तक जिसको कोई समझ नहीं आया मुझे बताओ कॉल करके आज मुझे लग रहा है बच्चों को फोन नहीं आ रहा सब पहले ना 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं सब लोग बताओ क्या क्या प्रॉब्लम क्यों समझ नहीं आ रहा नहीं आ रहा तो वो बताओ फिर तुम नहीं समझ में आया सर बता दीजिए आ रहा समझ में सबको क्या नहीं बोले कोई अरे बताओ ना क्या नहीं समझ में आ रहा है ऐसे किसको किसको समझ में आ गया आजकल बताओ नाम बताओ किसको समझ में आ गया अनम्यूट कर दिया मैंने अजय ने बोला जी जी बोलिए हाँ बोलिए हेलो मुझे अभी तक सर मुझे आ रहा है अच्छा आ रहा है ठीक है मतलब कि आ रहा फोन है ना मतलब कि बच्चे इसलिए फोन नहीं दे रहे मैं मान चल रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा है तो वो लोग कह रहे हैं कि पुराना है ना बोरिंग टाइप का हो गया इसलिए फोन नहीं दे रहे कोई बात नहीं ठीक है ठीक है अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आज बहुत सारे खराब थे देखते कितने समझ में है चलो फिर आप मजेदार करते क्लास को क्वेश्चन आते हैं और है कोई डाउट तो नहीं ना चलते क्लास कोई डाउट होगा फिर पूछना है चलो क्लास को एज ऑफ नाउ आई एम गेटिंग इट सर ओके 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 सभी ने बोला एज ऑफ नाउ अभी तक तुमको सब समझ आया अभी तक समझ आएगा आगे समझ आएगा गारंटी मेरी है चलिए ठीक है अब हम वोल्टेज करंट एंड पावर के लिए कैलकुलेशन देखते थे उसके क्वेश्चन देखते थे किस क्वेश्चन देखेंगे हम वोल्टेज के क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन जो आते हैं करंट के एंड पावर के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अभी मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को सब लोग को
ये ना इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है मैं हार्डली मंडे ट्यूजडे तक खत्म कर दूंगा। वेडनेसडे को हम लोग मेजरमेंट चालू कर देंगे, मेजरमेंट चालू कर देंगे वेडनेसडे को। ये आपका इसके बाद थोड़ा बहुत बचा है थ्री फेज सर्किट, पॉली फेज, थ्री फेज, टू फेज, वन फेज, तो वो मंडे और ट्यूसडे को ख़त्म करके इलेक्ट्रिकल सर्किट वाइंड अप करेंगे और सीधे हम चालू करेंगे मेजरमेंट। ठीक है, तो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है मेजरमेंट में, बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट भी होता है, मेजरमेंट चालू करेंगे। ठीक है, तो सब लोग एक्टिवली पार्ट लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा यही है कि ये ख़त्म कर दीजिए। ओके ओके ओके, चलिए वोल्टेज, करंट एंड पावर और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज एक वोल्टेज आपके पास है वी ऑफ टी, विच इज नथिंग बट गिवेन एज वी नॉट प्लस वी वन साइन ओमेगा टी प्लस वी टू साइन ओमेगा। लेट्स सपोज इस तरीके से वोल्टेज है। ठीक है, तो अगर वो एवरेज पूछे, एवरेज पूछे, ठीक है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा उसमें है क्या। ये आपका क्या है डी सी, ये आपका क्या है ए सी, ये आपका क्या है ए सी, है ना। ये आपका एक डी सी वोल्टेज है वी नॉट, ये एक ए सी वोल्टेज है, दिस इज ऐसा ए सी वोल्टेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज हम लोग इंडिविजुअल देखेंगे। डी सी का एवरेज कितना निकाला था मैंने, डी सी का एवरेज, जैसे हमारे पास एक वोल्टेज का के था सिग्नल, याद है, ऐसा सिग्नल है, मान लीजिए वी नॉट सिग्नल है, ये डी सी है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा वी नॉट, एवरेज होगा वी नॉट। इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज कितना होगा, एक साइनसोइडल का एवरेज फॉर फुल साइकिल भी देख रहे हैं। अगर जहाँ नहीं लिखा है फॉर फुल साइकिल, वहाँ मान के चलिएगा आप फॉर फुल साइकिल भी देखोगे हमेशा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए सी, ए सी सिग्नल एवरेज फॉर फुल साइकिल कितना होता है, कैलकुलेट करोगे कितना होगा बताओ। एसी साइनोसोइडल सिग्नल, साइनोसोइडल सिग्नल का एवरेज कितना होता था, जीरो। ओके बोमियन, तो इसका भी जीरो हो जाएगा, ये भी साइनोसोइडल है, सब जीरो हो जाएगा, अंत कितना आ जाएगा जीरो। ठीक है, आरएमएस निकालना है इसका, तो आरएमएस क्या होता है, इंडिविजुअल का आरएमएस निकालिए, इंडिविजुअल का आरएमएस निकालिए और उसको इंडिविजुअल का आरएमएस, मान लीजिए इसका आरएमएस निकालना है मुझे, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एवरेज निकाल लिया ना, मान लीजिए आरएमएस निकालना है मुझे, आरएमएस, तो पहले इंडिविजुअल का आरएमएस निकालिए, इसका आरएमएस कितना हो जाएगा, इसका आरएमएस एक डीसी सोर्स है, इसका एवरेज आरएमएस और मैक्सिमम सब क्या होता है सेम, तो इसका आरएमएस क्या हो जाएगा थ्री डॉट। डीसी का आरएमएस कितना होता था वी नॉट, इसका आरएमएस कितना हो जाएगा, एक साइनसोइडल का आरएमएस कितना होता था वीएम साइन ओमेगा टी, इसका आरएमएस होता था वीएम बाय रूट टू, यहाँ वीएम की जगह क्या है वी वन, तो इसका आरएमएस कितना हो जाएगा वी वन बाय रूट टू, इसका बताओ इसका कितना हो जाएगा वी टू बाय रूट टू। ये तीनों के इंडिविजुअल आरएमएस निकाल लिए, अब टोटल आरएमएस निकालना तो क्या करेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे, सबको ऐड कर देंगे और अंडर रूट लगा, बेटे मेरे पॉइंट क्या करते हैं, इंडिविजुअल का निकालिए, इंडिविजुअल का निकाला इसके स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लगा, इस टोटल का आरएमएस निकल आएगा, निकल आएगा निकल आएगा। ओके चलो फिर सब लोग एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज आई ऑफ टी आपको गिवन है थ्री प्लस फोर फोर फॉर
ओमेगा टी माइनस 5 1 प्लस 5 कॉस ओमेगा टी प्लस 5 1। चलो बताओ, एवरेज बताओ, आरएमएस बताओ, सॉरी आई आरएमएस, आई एवरेज, ठीक है, एवरेज बताओ, आरएमएस बताओ, आई एवरेज बताओ, आई आरएमएस, चलो सब लोग बताओ, आई एवरेज बताओ, आरएमएस बताओ, ठीक है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में सॉल्व करके बताओ, ठीक है, ओके। तो किसी निकाला आंसर, किसी का आंसर आया, किसी करंट दे दिया तो क्या दिक्कत हो गई, करंट लग गया, किसी का आंसर नहीं आया, ऐसा क्यों भाई, क्यों भाई ऐसा क्यों, किसी का आंसर क्यों नहीं आया, क्यों भाई क्यों, किसी का आंसर नहीं आया। चलो एक करो आया, और तो आया एवरेज 3 एम्पियर, ओके चलो, तो मैं एक तो निकाला एवरेज, वो तो अपने बोला है आई एवरेज होगा 3 एम्पियर, आरएमएस, आरएमएस का क्या हुआ, आरएमएस, आरएमएस नहीं निकाल पाऊ, कोई बात नहीं, अच्छा निकाल लिया, कुछ आया कैसे आया आंसर, बोमियान ने बोला है आरएमएस होगा 7.65, बोमान, बोमियान ने बोला है आरएमएस होगा 7.65, ओके चलो देखते हैं, देखते हैं, ठीक है इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है देखते हैं, जिनका नहीं आया है कोई बात नहीं, देख लीजिए अभी, ठीक है, देखिए करंट है, ये क्या है डीसी, ये क्या है एसी या साइनसोडियल, साइनोसोडियल, और ये भी साइनसोडियल है, एवरेज बात कर रहे हैं, एवरेज क्या हो जाएगा, डीसी का एवरेज क्या होता है, जैसे वहां पे बी था तो बीएम होता है, यहाँ पे आई की जगह आई एम हो जाएगा, तो डीसी में कितनी करंट है, थ्री है, तो एवरेज क्या होता है डीसी का, थ्री, ये मान लीजिए आई एम है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा डीसी थ्री वर्सेस टू, ये आई बना रहा होगा, यही इसका मैक्सिमम वैल्यू है, यही इसकी एवरेज वैल्यू, यही इसकी आरएमएस वैल्यू, डीसी चेक कर, देखिए अभी तक मैंने फॉर्मूले बता दिए, अब मैं देख रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते, ये क्या है साइनसोइडल, साइनसोइडल कितना होता है, करंट, अगर करंट है तो आई एम बाय रूट टू,
वोल्टेज है तो Vm बाई रूट टू, यहाँ पे Im कितना है, फोर, सॉरी एवरेज कितना होता है, RMS होता है साइनसोडियल के लिए, और फुल साइकिल एवरेज कितना होता है, अंडा जीरो, तो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, तो 0 + 3 + 0 कितना आ जाएगा, 3 एम्पीयर। एब्सोल्युटली राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। समझ में आया क्या? डीसी, डीसी का जो वोल्टेज होगा वह इसका आरएमएस होगा, वह इसका एवरेज होगा, तब इसका पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर सब कुछ वन होता है, यूनिटी होता है। चलो आगे चले, एवरेज वन आ गया, ठीक है, अब चलते हैं आरएमएस की चक्कर में। ओके ठीक है, आई आर एम एस, एक डीसी का आर एम एस कितना होता है, जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ करंट दे दिया तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू, तो आर एम एस सेम रहेगा। इसका आर एम एस क्या है, साइनसोइडल, साइनसोइडल का आर एम एस कितना होता है, अगर करंट है तो आई एम बाई रूट टू, आई एम यहाँ पे कितना है, फोर है, तो कितना आ जाएगा, फोर बाई रूट टू, और यहाँ पे आई एम क्या है, फाइव है, तो इसके कितना आ जाएगा, फाइव बाई रूट टू। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे सर, -5(1) और +5(1) का क्या करेंगे, ये तो फेज है, साइनसोइडल में फेज चेंज हो ना हो उसका एवरेज कितना, आरएमएस कितना होता है, आरएमएस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, नॉट फेज, नॉट फ्रीक्वेंसी, उसका आरएमएस सेम रहेगा, आई एम बाई रूट टू, आरएमएस कितना हो जाएगा, आई एम बाई रूट टू। साइनसोइडल, यहाँ साइन जो है कॉस बना दिया, है तो साइनसोइडल ही ना, तो क्या करते हैं, आरएमएस निकालना है, इंडिविजुअल का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, आई होप तो यहाँ से आ जाएगा समथिंग 9 + 8 + 12.5, करके देखिए कितना है, मुझे नहीं पता, बोमियान ने बोला 5.5 थी, ओके कैलकुलेट कर लेगा कितना है तो मुझे नहीं पता, एक हो जाएगा 9 17 17 प्लस 2 12, 29.5, ओके 29.5, हाँ 5.52 आएगा, ओके 5.52 आएगा, ओके आ जाओ। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये वेवफॉर्म गिवन होता है और निकालना आता है, आरएमएस निकालिए, एवरेज निकालिए, उठा के देख लीजिए, हर पेपर में, हर कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, उठा के देख लीजिए। 5.43 तो कोई बात नहीं, लगभग सेम है, और तो आपने बोला 5.43 होगा, दोनों को सेम ही होगा, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में होते हैं, हर जगह पूछते हैं, ठीक है, और करोगे, और करे, चलो और करते हैं, और सब तुम्हारा, यस सर, ओके थैंक यू। तो चलो एक मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, तो वोल्टेज गिवन है आपके पास डीसी 3 + 4 साइन ओमेगा टी, दैट सपोज दैट प्लस 5 sin 2t 3 ओमेगा, और करंट आपके पास गिवन है 4 + 5 sin ωt + 7 sin 3 ωt, दैट सपोज दैट गिवन है। आपसे पूछा गया है सी एवरेज होता है, सी एवरेज होता है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है, पावर बताओ, एवरेज पावर बताओ, सर आई कांट सी स्क्रीन, बच्चे स्क्रीन क्यों देख पा रहे, मुझे नहीं पता,
यहाँ तो मेरी प्रिंटे चल रही है। आई होप सो कि नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम करूँ। अब आपका नहीं पता मुझे, और देख लीजिए तो आपका नहीं पता मुझे, ठीक है। तो की एवरेज अभी निकालते हैं, की एवरेज। हाँ, 3/4 हुआ, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा आप की एवरेज में रखना। जब एवरेज पावर करते हैं तो हमेशा करते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम, ठीक है। वी आर एम एस इंटू आई आर एम, याद रखिए। जबकि पावर की बात करते हैं तो हमेशा एवरेज पावर निकालते हैं, इंस्टेंट पावर नहीं निकालते। और वो हमेशा होता है वी आर एम एस इंटू आई एम एस, ये होता है हमेशा। वी एवरेज इंटू आई एवरेज नहीं होता, एवरेज पावर की बात करते हैं। ओके, तो आर एम एस इंटू आई आर एम एस ये निकालते हैं, ठीक है। कितना आएगा बताइए। पहले इंडिविजुअल का कर लिया करो, इनका इनका कितना हो जाएगा आर एम एस इस सम का। वी आर एम एस कितना हो जाएगा इस सम का। डी सी है 3, आई आर एम एस कितना हो जाएगा, डी सी है 4। इसका ऐसा निकालो इस सम का। क्यों हम लोग इन सम का निकाल रहे हैं, क्योंकि इनकी की ओमेगा 3 है और इसका इसका निकालेंगे। इसका इसका नहीं निकाल सकते क्योंकि ओमेगा टी है, 3 ओमेगा टी है, तो फ्रिक्वेंसी चेंज हो रहा है। फ्रिक्वेंसी सेम का मल्टीप्लाई करते हैं, बताया था पहले भी कि कोई दो सिग्नल अलग अलग फ्रिक्वेंसी हो उनका मल्टीप्लाई कभी नहीं होता है। दो सेम फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई होगा, वोल्टेज और करंट जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका देखो आर एम एस कितना हो जाएगा, इसका वोल्टेज का, ये साइंस उदयल है, वी एम 4 है यहाँ पे। तो आर एम एस कितना होता है Vm/√2, मतलब 4√2। और ये Im कितना है, 5 है, तो इसका RMS कितना देगा, 5√2। और इन दोनों को क्या करना है, Vrms इसका 4√2, इसका Irms 5√2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर देखो, इधर से 3 sin ωt वाले सम आपस मल्टीप्लाई में, इसका कितना है Vm 5, तो Irms कितना देगा 5√2। इसका Im कितना है 7, तो Irms कितना रहेगा 7√2। मल्टीप्लाई, और तीनों को क्या करना है, एवरेज निकालना है, ऐड कर देना है ना, है ना, निकल जाएगा, निकल जाएगा पावर। निकाल लोगे ना कितना रहेगा, ये 800 12, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 15, 15, ठीक है। 35/3, 17.5, ठीक है। तो आई थिंक तो आप लोग निकाल लोगे, आप लोग निकाल भी लोगे 39.5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। आ गया समझ में, ये समझ में आया। डीसी किसी मल्टीप्लाई कर दिया, एसी में सेम फ्रिक्वेंसी के मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि 3 sin ωt और 3 sin ωt मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एटी एटी निकाल लो, तो इसका भी आर एम एस Vm/√2, आई आर एम एस 5/√2, Im/√2, इसका भी आर एम एस Vm/√2, Im/√2। गॉट द कॉन्सेप्ट, ओके ओके, थैंक यू। और सबने बोला गॉट द कॉन्सेप्ट सर, और सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ गया, समझ में आ गया। तो समझ लो, या आपने ना जेई लेवल में सबसे टफेस्ट एग्जाम क्वेश्चन लगा लिए, ये लगा पा रहे हो तो आपका जेई क्लियर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा। और इस क्वेश्चन को ना बहुत टफ टफ तरीके से पढ़ाते हैं टीचर, सही बता रहे हैं, बहुत टफ तरीके से पढ़ाते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन लगवाते हैं, एक्चुअली में बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत टिक्चर क्वेश्चन है, बट आपको समझ में आ जाए तो लगा लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन करोगे, और क्वेश्चन करते हैं। इंडिविजुअल वी आर एम एस एंड आई आर एम एस निकाल के दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब एक बच्चा बोल रहा है सर इसका हमने इंडिविजुअल वी आर एम एस निकाला, नहीं इसका आई आर एम एस निकाला, तो अब इसका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दो। ओके ओके, यू कैन डू इट। यहाँ पे अलग से लिखो 3 RMS IRMS, और फिर यहाँ पे देखो VRMS IRMS, फिर 3 डालो फिर 2 डालो, कर सकते हो।
भाई यहाँ तो मुझे कंपटीशन निकालना है ना, जल्दी जल्दी करना होता है, इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे ना। तो अलग अलग लिखो, वी आर एम एस 3 है, आई आर एम एस 3 है, फिर यहाँ लिखो डीसी के लिए निकाल ले हो, इतना कहाँ टाइम होता है, ऐसे करके लिखोगे भूल जाओ, बहुत टाइम टाइम होता है वहाँ पे। तो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए अभी थोड़ा सा, मैं ना तुमसे उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट लगभग खत्म होने वाला है, तो आप लोग स्पीड अप होने चाहिए। नो मैटर, ओके ओके थैंक यू वेरी मच, नो मैटर व्हाट एवर, आपने इतना मेहनत करा है तो अब आपको स्पीड अप हो जाना चाहिए। अब वो नहीं चलेगा मैटर, सर मैं ना मैंने आंसर तो निकाल लिया है, मगर मेरा 5 स्टेप में आया, आपका 2 स्टेप में आया, आपका 1 स्टेप में आया, दो बच्चे हैं दोनों काम सेम है, वो नो डाउट आंसर सेम है, सही आंसर है। मैं एक बच्चे ने 2 स्टेप में निकाला, एक बच्चे ने 5 स्टेप में निकाला, मैं कहूँगा 5 स्टेप वाले को कोई मैटर नहीं था, अल्टीमेटली उसने टाइम जैसे ले लिया, टाइम जैसे ले लिया, उनसे क्वेश्चन मेरे टाइम खराब हो गया। टाइम जल्दी भी करना है, सही भी करना है, एक्यूरेसी भी देखना है, प्रिसीजन भी देखना है, मेजरमेंट में पढ़ाएंगे प्रिसीजन, ठीक है, तो वहाँ पर टाइम क्या होता है, बट आपको एक्यूरेट भी होना है, प्रिसाइसली काम करना है, टाइमली काम करना है, लेटेंसी नहीं चाहिए, डिले नहीं चाहिए। चलो और क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा, और क्वेश्चन एक करण दिया है, आई ऑफ टी 20 + 10 साइन ओमेगा टी +5 sin 2 ओमेगा टी एक करंट है, क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ करंट आई ऑफ टी इज गिवन टू एन इम्पीडेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ जेड इक्वल टू 4 + 3 j ओम, यूनिट ऑफ इम्पीडेंस क्यों ओम, ठीक है, देन आपको बताना है पावर कितनी होगी, पावर कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेट, करंट दिया गया है, इम्पीडेंस दिया गया है, पावर बताया, जल्दी बताओ पावर कितना हो जाएगा, नथिंग बट आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू नॉट जेड, जैसे आई स्क्वायर आर होता है, यहाँ आर की जगह क्या हो जाएगा जेड, है ना, क्योंकि हम लोग मॉड लेते हैं आई आर एम एस इंटू नॉट जेड, क्योंकि ये ए सी डी सी दोनों सिग्नल है इसमें आई में, तो टोटली ये ए सी सिग्नल है, डी सी होता तो क्या होता आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर, बट ये जेड है, यहाँ नॉट जेड देखा, तो आई आर एम एस निकालो, मॉड जेड निकालो, सबसे पहले तो आई आर एम एस और 2 मिनट निकाल दोगे, मॉड जेड भी आप 2 मिनट निकाल दोगे, कॉम्प्लेक्स सिग्नल में मॉड जेड कितना हो जाएगा, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, अंडर रूट रियल पार्ट का 4 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, अंडर रूट लगाएंगे तो 4 का होल स्क्वायर तो 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 25 तो आ जाएगा 5, मॉड जेड आ गया है आपका 5। आई आर एम एस निकालिए, डी सी है 20, 20 का होल स्क्वायर प्लस 10 वहाँ पे है एसी साइन ओमेगा टी वाले में, तो 10√2 का होल स्क्वायर प्लस वहाँ पे sin 2 ओमेगा टी वाले में 5 है, तो 5√2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करोगे 10√2 कितना रहेगा 100/2 मतलब 5 150, और वो वहाँ से आ जाएगा 25/2 मतलब 12.5, और ये आ जाएगा 20 का होल स्क्वायर मतलब 400, तो 400 + 50 450, और ये हो जाएगा 12.5 472.5, तो ये अप्रॉक्सीमेटली बैठेगा जा करके आई एवरेज 21.5 निकालो, मैं तो मुझे मैंने निकाल दिया, आपके बच्चे इतना पावर हो जाए कि अब इसका फैन योर थी सिंपली मुँह जवानी लगाना कि ये सर इससे ऐसा रहेगा इससे ऐसा रहेगा, आप भी निकालो जल्दी निकालो, सबको निकालना है जो मेरे सारे बच्चे यही निकालेंगे, कितनी इक्वल हो रही है सबको निकालिए, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं निकालेगा, उस तरीके से फ्रेम किया ना मेरी, तो बहुत बेसिक से चालू किया, एडवांस भी चल रहे हैं, पहले बहुत बेसिक बेसिक पढ़ाया, उस पर टिप करा रहे हैं, या आप मुँह जवानी लगाते अब तो फायदा है मेरे को, जल्दी बताओ आर एम एस कितना निकलेगा, मॉड जेड कितना निकलेगा, मैंने बता भी दिया कैलकुलेट करके,
आपने सुना होगा तो। अच्छा इन्होंने वाट भी लगा दिया, इन्होंने वाट वो तो अपने वाट कितना निकाला, 23.12.497 है, ये पावर बता रहे हैं, देखते हैं बेटा। अच्छा मॉडजेड कितना आएगा, मॉडजेड पहले मॉडजेड बताओ, मॉडजेड आएगा 5 एम। ओके हो तो कितना आ जाएगा, रियल पार्ट का होल स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 5। गुड हो तो मॉडजेड आ गया। अब हमें निकालना है क्या निकालना है, आई आर एम, आई आर एम अलग कर लीजिए, आई आर एम एस कितना निकला था आपको देखिएगा, 21.5। गुड 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 21.1 कितना आ जाएगा, ये डीसी है, डीसी का आर एम एस कितना आता है 20, आई आर एम एस सेम ही रहा इसका, ये फाइनल थोड़ी है ओमेगा टी वाला, इसका आई एम क्या है 10, आई आर एम एस कितना आता है 10/√2, 10/√2 हो जाएगा, आई एम √2 होता है ना इसका, आई एम 10 है, यहाँ पे 2 sin ωt वाला, sin 2 ωt वाला सब, इसका भी देखिए आई एम क्या है 5, तो आई एम √2 कितना देगा 5√2, ठीक है, तो होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे, राइट इन द 21.5। मैं मान चल रहा हूँ जो व्हाट्सएप ने बोला था, मैंने भी कैलकुलेट किया था, अभी कैलकुलेट की हुई थी तब मैंने 21.5 ही लगवाया अनल को, तो यह आ गया पावर कितनी आ जाएगी, आई आर एम एस कॉल स्क्वायर मीन 21.5 का होल स्क्वायर इंटू 5 कितना आ जाएगा बेटा, तो कैलकुलेट करो 21.5 होल स्क्वायर इंटू 5। ओके तो आपने कितना आ रहा था, आपने बताया था यहाँ पे 2312.5058 मतलब इतना आएगा लगभग 2.3 किलोवाट के आस पास, ठीक है ओके, तो मान चल रहा हूँ जानते हैं, हाँ 2.311 किलोवाट, 2.31 मान के लो किलोवाट से। अच्छा अगर पूछते हैं रजिस्टर के अक्रॉस कितना होगा पावर तो क्या जाएगा, आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू, ठीक है आई आर एम एस इंटू, तो ये क्या जाएगा इतनी नसीबत, इतनी नसीबत आई आर एम एस 21.5 इंटू आर कितना है, तो रियल पार्ट क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है आपका एक्स माइनस एक्स टी या एक्स टी माइनस एक्स टी, तो रियल पार्ट क्या है फोर्स, यहाँ से आर कितना आएगा तो वहाँ से भी निकालोगे सेम ही आएगा, कभी कभी रेजिस्टेंस का थोड़ा पावर पूछ सकते कहीं कहीं टोटल पावर पूछ सकते है ना, दोनों सेम है तो निकालोगे तो आ जाएगा 18.49 अप्रॉक्सीमेटली 80-60 किलो 80-50 वाट बोल दो अप्रॉक्सी, गुड हो तो गुड, समझ में आया क्या, चलो ओके ओके आजम थैंक यू, अब सब लोग एक्टिवली पार्ट लेंगे, आज तो वैसे भी मुझे लग रहा है आधे ज़्यादा लोग तो चले गए संडे बनाने, आज तो वैसे भी कम मिलेंगे। चलो पावर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, पावर भी कितनी टाइप की होती है, पावर ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, तो पहले हेडिंग डालो ट्रू पावर या उसी को बोलते हैं एक्टिव पावर, एक्टिव पावर जिसे हम लोग बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं,
पावर भी दो टाइप की होती है, मतलब ट्रू पावर एक होता है अपरेंट पावर, उसे एक्टिव भी नहीं कहते। तो ट्रू पावर जैसे दूसरा नाम है इसका एक्टिव पावर, है ना, नाम ट्रू पावर या एक्टिव पावर। तो इट इज नथिंग बट जो जो पावर हमारा एसी सर्किट यूटिलाइज करता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रू पावर। उसकी डेफिनेशन कोई चीजें आती भी है, ऑप्शन में आती है, क्या होती है ट्रू पावर, तो आप ये लिख सकते हैं पावर विच यूटिलाइज या एक्चुअली कंज्यूम, इट इज एक्चुअली कंज्यूम और यूटिलाइज दोनों सेम ही वर्ड है, कंज्यूम इन एसी सर्किट। जो भी एसी सर्किट से एक्चुअल पावर जहाँ पे कंज्यूम हो रही है या जहाँ पे डेसिपेट हो रही है या जहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रू पावर। ओके, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, पी से, विच इज नथिंग बट वोल्टेज इनटू इनटू एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। कहीं कहीं बोल देते हैं सी का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई वी आई कॉस फाई, वेयर फाई फाई से क्या है आपका फेज एंगल, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज एंगल, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वाट, याद रखना यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वाट होती है और किलो वाट होती है, या तो वाट में होगा या किलो वाट में होगा। ठीक है, ट्रू पावर उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस, सिंपली आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए वी आई कॉस। और ये होती क्या है, जो एसी सर्किट में एक्चुअली डेसिपेट हो रही है या कंज्यूम हो रही है या यूटिलाइज हो रही है, उस पावर को बोलते हैं ट्रू पावर। कौन आया, ओके और यही पावर आ गया एक रेजिस्टेंस अक्रॉस निकाले, यही पावर तो उसे क्या बोल देते हैं आई स्क्वायर आर। जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस की पावर होती है ना, एक रेजिस्टेंस है उसमें आई की करंट है, तो उसमें जो पावर होती है वो भी ट्रू पावर। तो रेजिस्टेंस आर आपका सर्किट है, मान लीजिए आर एल की सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर होगी वो ट्रू पावर होगी, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर पावर डेसिपेट ही नहीं करते, पावर कंज्यूम ही नहीं करते, वो तो एनर्जी स्टोर करते या एनर्जी रिलीज करते, पावर वहां पे जीरो होते हैं। एक इंडक्टर के लिए कैपेसिटर के लिए बताया था ना पावर कितना होता है, जीरो एवरेज पावर, बट रेजिस्टर के लिए क्या होता है आई स्क्वायर इंटू, तो वो पावर एक्चुअल में यूटिलाइज नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते कभी भी, इंडक्टर कैपेसिटर वो एनर्जी स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करेंगे या एनर्जी रिलीज करेंगे। ओके, तो जैसे ट्रू पावर या एक्टिव पावर, दो फॉर्मूला बताए, वी आई कॉस वाई या आई स्क्वायर इंटू आर, या दोनों फॉर्मूले लगेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, आगे चले चले आगे, ओके ओके चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर इसे डिनोट करते हैं क्यू से। दो टाइप की पावर होती है, एक तो एक्टिव पावर या ट्रू पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर। ये बेसिकली क्या होती है, सर्कुलेटिंग बैटरी पावर होती है, क्योंकि कैपेसिटर से इंडक्टर में जाएगी, इंडक्टर से कैपेसिटर में जाएगी। जैसे मान लीजिए आर एल सर्किट है, तो रजिस्टर लगाया होता है, इंडक्टर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, तो एक तो पावर होगी जो ट्रू पावर जो यूटिलाइज होगी रजिस्टर में, दूसरी पावर होगी जो यूटिलाइज नहीं होगी, कंज्यूम नहीं होगी रजिस्टर, सॉरी कैपेसिटर से इंडक्टर में जाएगी, इंडक्टर से कैपेसिटर में,
अगर यहाँ पे इंडक्टर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, तो फिगर बनाए तू। मान लीजिए एक आर है, एक एल है और एक आपका सी है। आर एल सर्किट है, एक अपने वोल्टेज लगाया, यहाँ पे करंट वोल्टेज और करंट। तो यहाँ पे जो पावर कंज्यूम होगी वो कौन सी पावर कंज्यूम होगी? टू, तो टू पावर या एक्टिव पावर। और दूसरी यहाँ की जो पावर होगी वो कंज्यूम नहीं होगी, या तो पावर यहाँ से एक इंडक्टर से कैपेसिटर की ओर जाएगी पावर एफ सॉरी क्यू, या फिर कैपेसिटर से इंडक्टर की ओर जाएगी। एक टाइम में इंडक्टर का डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर चार्ज होगा, एक टाइम में कैपेसिटर चार्ज होगा इंडक्टर। मीन आपकी जो क्यू पावर है वो इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, यूटिलाइज नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही, डेसिपेट नहीं हो रही। पर जो पी पावर है वो डेसिपेट हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। ये पावर इधर से इधर सर्कुलेट हो रही है, या तो एल से सी से जा रही है या सी से एल से जा रही है, सर्कुलेटिंग डेंसिटी होती है। तो इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं सर्कुलेटिंग पावर। ओके, सर्कुलेटिंग पावर काफी पूछा गया है। सर्कुलेटिंग पावर कौन सी होती है? रिएक्टिव पावर। तो सर्कुलेटिंग पावर एल से सी की हो जाएगी या सी से एल की हो जाएगी, ठीक है? तो इसे सर्कुलेटिंग पावर याद रखिएगा, पावर यूटिलाइज नहीं हुई, खत्म नहीं हुई है, कंज्यूम नहीं हुई है, कंज्यूम केवल रजिस्टर के द्वारा होगी। तो आई पर आर यूनिटिंग कहेंगे, कंज्यूम नहीं हुई। अगर एक्चुअल कैपेसिटर होगा वो कभी गर्म नहीं होगा, एक्चुअल इंडक्टर कभी गर्म नहीं होता। रजिस्टर कुछ भी होगा, वायर कुछ भी होगा, गर्म हो जाएगा। रजिस्टर जहाँ भी होगा वहाँ यूनिटिंग होगी, पावर डेसिपेशन होगा। कैपेसिटर एक्चुअल कैपेसिटर होगा ना, प्योर कैपेसिटर कभी गर्म नहीं होगा, प्योर इंडक्टर कभी गर्म नहीं होती। बट जो कैपेसिटर हम लोग पास होते हैं उसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी होता है, जो इंडक्टर होता है उसमें एक रेजिस्टेंस भी होता है। इस चक्कर में थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है, गर्म होना मतलब पावर डेसिपेट होना, पावर यूटिलाइज होना, तभी वो पावर ऐसी पावर आपकी जो निकलती है या तो वो हीट फॉर्म निकलेगी, या तो लाइट फॉर्म निकलेगी, या साउंड फॉर्म निकलेगी। नॉर्मली हीट के फॉर्म में निकलती है, ठीक है? तो इट इज सर्कुलेटिंग पावर। इट इज ऑल्सो बैक एंड फोर्थ या इट फ्लो बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब बैक एंड फोर्थ मतलब कभी इधर ऐसी चलेगी, कभी इधर ऐसी, कभी ऐसे थी, कभी सी पे, बैक एंड फोर्थ चलेगी इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन चलेगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल टू V into I sin phi, where phi is nothing but phase angle between voltage and current. आ चुका हूँ। V into I into sin phi. बहुत important है, बहुत important है। इसका unit, इसकी unit क्या होती है? VAR, voltage ampere rating. क्या बोलते हैं? Voltage ampere rating. VAR, P की यूनिट क्या थी? वाट या किलो वाट। इसकी यूनिट क्या है? क्यू की यूनिट। इट इज नथिंग बट यूनिट ऑफ क्यू। क्या होगी? VAR, काफी बहुत इम्पोर्टेंट है। अपरेंट पावर, सॉरी रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है? VAR, वोल्टेज एम्पियर रेटिंग। ओके, नोट कर लेना जो वॉट मीटर है, वॉट मीटर, वॉट मीटर यूज फॉर मेजरिंग ऑफ ट्रू पावर, नॉट रिएक्टिव पावर। टी के लिए मेजर के लिए यूज होता है, क्यू के लिए नहीं होता। जब हमें मेजरमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें पावर मेजरमेंट सिखाएंगे, ठीक है? तो वहां भी बताएंगे। तो वॉट मीटर जो आप देखते हो ना, वो पी को मेजर करता है, मीन टू पावर, रिएक्टिव पावर को मेजर करता है, रिएक्टिव पावर को नहीं मेजर, ठीक है? समझ में आया क्या? यूनिट याद रखोगे, वोल्ट एम्पियर रेटिंग। क्या होता है? वोल्ट एम्पियर रेटिंग।
चलो आगे चलते हैं। अब तीसरी पावर होती है, फर्स्ट हो गई एक्टिव पावर या ट्रू पावर, सेकेंड हो गई रिएक्टिव पावर, तीसरी होती है टोटल पावर या उसे बोलते हैं अपेरेंट पावर। क्या बोलते हैं? अपेरेंट पावर। इसको डिनोट करते हैं एस से, विच इज नथिंग बट एडिशन ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, टू पावर एंड रिएक्टिव पावर का एडिशन होता है, इसे एस से डिनोट करते हैं, विच इज नथिंग बट वी इंटू आई, वी इंटू आई, या नॉर्मली क्या बोलते हैं आई स्क्वायर इंटू जेड, जेड इज नथिंग बट इंपीडेंस, इंपीडेंस, या हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज को हमने ई स्क्वायर बाई जेड दोनों से हैं, एस को हम क्या बोल सकते हैं वोल्टेज को हमने वी स्क्वायर बाई जेड, करंट कंपनी क्या बोल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू जेड, वेयर एस एस इज नथिंग बट ई प्लस माइनस के टू, वेयर पी इज नथिंग बट एक्टिव पावर या टू पावर, पी इज नथिंग बट रिएक्टिव पावर। जब यहाँ प्लस लगा होता है तो याद रखिएगा आपका कौन सा लोड है, इंडक्टिव लोड है, मीन्स लोड में आपका एक इंडक्टर लगा हुआ है, और जब आपको माइनस लगा होगा तो याद रखिएगा लोड में आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटिव लोड है, बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि प्लस माइनस लगा रखा है, अगर इंडक्टर लगा होगा तो यहाँ पे थ्री प्लस ए टू हो जाएगा, अगर कैपेसिटर लोड में लगा है तो थ्री माइनस ए टू हो जाएगा, समझ आया? इसकी यूनिट याद रखिएगा, इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर, यूनिट याद रखिएगा, वोल्ट एम्पियर हो गया किलो वोल्ट एम्पियर, यूनिट अलग अलग होती है, एस और क्यू की यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर, बस सी की यूनिट होती है वाट, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा। ओके ओके आगे चले। ओके ओके चलिए आगे चलते हैं, एंड डालीजिएगा पावर ट्राइंगल, अब हम इसको पावर ट्राइंगल बनाएंगे, सर हमें इम्पीडेंस ट्राइंगल, वोल्टेज ट्राइंगल, करंट ट्राइंगल बनाया था, हम पावर ट्राइंगल बनाएंगे, पावर ट्राइंगल वो कैसे बनता है, लेट्स सपोज है जो आपके पास एस है वो है पी इंडक्टिव टाइप की, मीन्स प्लस लगा दीजिए पी प्लस ए क्यू, लेट्स सपोज है प्लस टाइप, तो यहाँ पर क्यू क्या है इंडक्टिव है, तो लेट्स सपोज इट एल लिख देते हैं इंडक्टिव टाइप की, तो क्या हो जाएगा पी प्लस जे क्यू इंडक्टिव टाइप की, इसके लिए इंडक्टिव टाइप इंडक्टिव लोड, तो ऐसे क्या हो जाएगा पी प्लस जे क्यू, इसका कैसे बनाओगे आपको बनाना है ट्राइंगल या फेजर, तो पी मतलब रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट पी ऐसा हो गया दिस इज पी, और क्यू एल प्लस लगाए जे, प्लस जे मतलब प्लस 90 डिग्री, इन ऊपर हो जाएगा, यहाँ चलेंगे प्लस 90 डिग्री कैसे पहुँचेंगे एंटी क्लॉक वाइज तो पहुँचेंगे 90 डिग्री, ये कितना है तो इन दोनों का रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, और ये जो एंगल है वो फेज एंगल है, समझ आया समझ आया, दिस इज पावर ट्राइंगल फॉर इंडक्टिव लोड, मान लो कैपेसिटिव लोड ले रहे हैं, कैपेसिटिव लोड ले रहे हैं, ओके थैंक यू, तो एस क्या हो जाएगा पी माइनस जे सी, और कैपेसिटिव ले रहे तो माइनस लगाया, मान लीजिए कैपेसिटिव के लिए यहाँ पे क्यू मतलब सी लगा दीजिए, क्या आपको पता लग जाएगा कैपेसिटिव है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन लगा दिए, तो इसको कैसे बनेगा, इसको पी हो गया रियल पार्ट माइनस जे, माइनस जे मतलब माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री मतलब
हमें कैसे चलना पड़ेगा, क्लॉक वाइज। और कितना चलना पड़ेगा, -90 डिग्री। ये कितना है क्यू, ये मान लीजिए एल है, ये कितना रहेगा टू सी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जैसे नथिंग बट जैसे नथिंग बट। ये ऐसे करो, और ये एंगल फाइव, फाइव इज नथिंग बट फेस एंगल, फेस एंगल निकाल लोगे। आगे चले, ओके ठीक है। एफ को हम लोग क्या ले सकते हैं, मॉड ऑफ एफ को क्या ले सकते हैं, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का अंडर रूट। दिस इज मॉड ऑफ एफ। मान लीजिए पाई निकालना है तो क्या देगा, टेन इनवर्स, यहाँ से निकालिए पाई कितना देगा, 12 बाई 3 या क्यू सी बाई टू, जनरली हम लोग क्यू लिख देते हैं, क्यू बाई क्यू एल होगा या क्यू सी होगा तो उस पर लिख देगा। इंडक्टिव होगा तो यहाँ क्यू एल हो जाएगा, कैपेसिटिव होगा तो क्यू सी होगा। ओके ओके, ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉस पाई कितना था, कॉस पाई वहां देखोगे फिगर से निकाल लो या इससे निकाल लो, कॉस पाई कितना रहेगा, इज नथिंग बट, इज नथिंग बट पी बाई एस एम ऑर्डर। तो ये क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर निकालना है पावर टर्म्स में, कैसे निकाल सकते हो। साइन फाई कितना हो जाएगा, साइन फाई इज नथिंग बट टू बाई मॉड। तो यहाँ से पी निकल जाएगा, लेकिन पी निकल जाएगा लेकिन नथिंग बट मॉड एस इंटू कॉस फाई, टू निकल जाएगा मॉड एस इंटू साइन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ये 6 फॉर्मूले हैं, इन सबको बाई हार्ट याद कर लीजिए, बाई हार्ट याद कर लीजिए, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। निकाल लोगे, ओके चलिए क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लगाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं। आई थिंक ये इरेज कर दिया जाए, इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका एसी सर्किट खत्म हो गया, क्वेश्चन लगा लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्योंकि बच्चे फंस जाते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट आर एम एस एवरेज पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर, सबको निकालना है, ऑफ ए वोल्टेज गिवन है 100 साइन T1 वोल्ट। इसका बताइए आर एम एस बताइए, एवरेज बताइए, पीक फैक्टर बताइए, फॉर्म फैक्टर बताइए, मीन टी आर एम एस बताइए, वी एवरेज बताइए, पीक फैक्टर बताइए और फॉर्म फैक्टर बताइए, बोलिए बताइए। जल्दी बताइए, सब लोग बताइए, पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर एवरेज आर एम एस। एक वोल्टेज आपको दी गई, कैसा वोल्टेज है, साइनोसोडियल, साइनोसोडियल में कितना होता है आर एम एस एवरेज, और साथ में मैक्सिमम वैल्यू बता दो, मैक्सिमम वैल्यू बता दो, डी मैक्स भी बता दो,
ऐसे करके क्या हुआ? बड़ा आसान क्वेश्चन था, मैंने बोल दिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस, केवल यहाँ 10 की जगह 5 हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा, ऐसे कुछ होता है। चलो कुछ नहीं, अब फ्रिक्वेंसी भी बता देना, ओमेगा भी बता देना। आप कुछ बता, वी आर एम एस 5√2, 10 से 10 की, वो सब लगा के बता। चलो इसको हम लोग पहले कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, वी आर एम एस 0। चलो इसको तो पहले कंपेयर कर लो, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी मैक्स वी एम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, ओमेगा आपका आ रहा है 314, क्या है रेडियन पर सेकेंड। अगर एफ कोई पूछ सकता है 314 बाई 2 पाई, लगभग 5 हर्ट्ज़ है ना। अगर कोई ये पूछे आर एम एस कितना होता है, Vm बाई √2, Vm बाई √2 मतलब 10 बाई √2, आई थिंक 5√2 होता है। एवरेज, एवरेज क्या होता है? फॉर फुल साइकिल 0 साइनसोइडल है, फॉर हाफ साइकिल 2 Vm बाई 5। तो अगर फुल साइकिल 0 हो जाएगा, हाफ साइकिल कितना हो जाएगा 2 Vm बाई 5, 20/5 निकाल लेना। पीक फैक्टर कितना होता है? वी आर एम एस सॉरी Vm बाई Vrms समथिंग आ जाएगा, Vm बाई Vrms √2 हो जाएगा, 1.414। एक साइन से देखते सेम ही रहता है। फॉर्म फैक्टर आर एम एस बाई एवरेज 1.11, उसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा। पीक फैक्टर √2 फॉर्म फैक्टर 5√2। हाँ वैसे तो मुझे ये पता होना चाहिए ना इसकी वैल्यू। पीक फैक्टर हमेशा साइन से देखने के लिए सेम ही रहता है, फॉर्म फैक्टर भी सेम ही रहता है। आगे ना उन्हें आगे एक और क्वेश्चन करें, दूसरा भी हो सके, क्वेश्चन करना है, सब कुछ करना है। चले आगे चले, आगे चले। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दीजिए, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन गिवेन है, मान लीजिए एक 10 ओम गिवेन है, यहाँ पे एक 0.1 हेनरी गिवेन है एल की वैल्यू, और एक आपको वोल्टेज सोर्स गिवेन है, उसमें आपको गिवन है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज और आई गिवन है। तो पूछा गया सबसे पहले इम्पीडेंस बताओ, जेड बताओ, दूसरा आई बताओ करंट कितनी होगी, तीसरा पीक फैक्टर होगा, कितना करंट का निकालना होगा पीक फैक्टर निकालो। पीक फैक्टर को नहीं निकाल पाओगे, लेट सपोज है पावर फैक्टर निकालो, पावर फैक्टर निकालो, पीक फैक्टर नहीं पावर फैक्टर। निकालो पहले जेड निकालो, कौन सा सर्किट है, आर है, आर सी है, आर एल है कि आर एल सी, पहले सर्किट देखो कौन सा है आर और तो उसका जेड क्या होता है, जेड क्या होता है आर प्लस जे ओमेगा। तो आर हमें पता है 10 ओम, एल पता है 0.1 हेनरी, हमें क्या नहीं पता ओमेगा नहीं पता, ओमेगा नहीं पता, एफ पता है 50 हर्ट, ओमेगा क्या होता है 2π × f, तो कितना आ जाएगा 100π हर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा, 10 + j ओमेगा 100 पाई × L.1 कितना जाएगा, 10 + 10 πj, ठीक है समथिंग। तो मॉड जेड कितना आ जाएगा, मॉड जेड 10² + 10 πr² कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10² + 10 πr² अंदर कॉल करो, 10 π मतलब हो गया तुम्हारे के 31.4, 31.4 का होल स्क्वायर ये हो गया ना करके और 900 से ऊपर हो जाएगा, 900 नहीं 931 का होल स्क्वायर, 904 का ऊपर 925 मतलब 100 हो गया ना, तो 10 का हो गया 100, तो 1100 समथिंग आ जाएगा, तो 32 समथिंग आ रहा होगा उनका मॉड जेड टू, 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 32.65 समथिंग आ रहा है। एक बार कैलकुलेट करो मुझे कैसे, मुझे याद नहीं क्या जाएगा, 10² + 10 πr² इतना स्लो, इतना स्लो कैसे हो, कैलकुलेट करो अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 32.67 ऐसे लग रहा है मुझे, कितना आंसर आ रहा है, मॉड जेड की वैल्यू कहाँ गए, मॉड जेड कहाँ गए, कोई नहीं निकाले क्या, कैलकुलेटर है तुम लोग ऊपर, मॉड जेड की वैल्यू बताओ, क्या हुआ, सब लोग कहाँ गए, कोई नहीं बात करेगा क्या, इतने स्लो हो कैलकुलेटर भी रखते थे आप, जिस भी नहीं आता 32.96 ओके नीचे, तो मतलब मेरा कैलकुलेशन तुमसे बहुत तेज है, 32.96 बोल रहे, ठीक है मैंने 32.67 बोला तुमसे, मेरा है कैलकुलेटर होने को आप काम करते हो, कैसे काम चलेगा, करंट करंट कैसे निकलेगा, करंट कैसे निकलेगा, वी बाई मॉड जेड, ये वी एक्चुअल में क्या गिवन है, वी आर एम एफ गिवन होगा, जब भी कुछ ना गिवन हो तो समझो वी आर एम एफ, तो ये आई आई निकल जाएगा, आई मतलब आई आर एम एफ गिरेगा, तो वी बाई मॉड जेड 230/32.96 लगभग आ जाएगा, इतना क्या देगा 32.96 एंगल, ओके एंगल बता दिया बहुत अच्छी बात, पाई की वैल्यू बता दिया इन्होंने, पाई की वैल्यू कितनी बता दी इन्होंने, पाई की वैल्यू बता दी इन्होंने, वो तो अपने 72.34 कोई बात नहीं, तो इसको करोगे कितना आ जाएगा, आई करो 230/32.33 हो जाएगा 230, 30 होता तो 32 हो जाता 6.6, 30 होता तो कितना 18 32 है तो 20 और जो लो 120 जो लो तो 1 + 2 + 2 = 20 तो 32 point something आएगा, 30 नहीं इसका आएगा 30 by 30 20 ये पॉइंट आएगा, तो ये सब 6.5 something आएगा, 6.5 something आ रहा है एक्चुअली, आई डोंट नो बट 6.5 something आ रहा है, 6.5 या 6.6 ऐसे कुछ होगा, कैलकुलेट करना है 6.6 मान लेते हैं, 6.6 समथिंग है, 6.5 या 6.6 है, ठीक है,
निकाल दोगे? कॉस फाइव पावर फैक्टर, फाइव पता है, कॉस फाइव आप निकाल लोगे। अगर जिसको वैसे नहीं करना तो आप सिंपली कैसे लगाओगे? आर बाई जेड, बता चुका हूँ जब इम्पीडेंस एंगल बताया था, तो कॉस फाइव इम्पीडेंस एंगल कितना है? तो आर बाई जेड, तो आर की वैल्यू 10 है, जेड की वैल्यू 32.96 है, तो कॉस फाइव की वैल्यू कितनी रहेगी? ऑब्वियसली 1 से कम होगी, तो कॉस फाइव आई थिंक दैट आ जाएगा आपका कॉस फाइव 10 बाई समथिंग, तो 1 बाई 3 मतलब 0.33 होता था, ठीक है, और 1 बाई 10 है तो 0.33 आ जाएगा। अच्छा लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा? अगर नेचर पूछे तो पूछे तो लीडिंग होगा लैगिंग होगा? 0.303 ओके होगा मेरे, ओके उन्होंने बोला लैगिंग होगा, लैगिंग होगा बिल्कुल सही जवाब। क्यों? क्योंकि दिस आरएल सर्किट, आरएल सर्किट होगा तो कैसा बनेगा? आर लगे दोगे तो कैसे होगा? नीचे की ओर, क्योंकि आई लेफ्ट फ्रॉम वोल्टेज, करंट इज लेफ्ट इन फ्रॉम वोल्टेज, करंट लेफ्ट फ्रॉम वोल्टेज बाई 90 डिग्री इन इंडक्टर से, तो आर एल में 90 डिग्री नहीं होता बट एक पाई एंगल के साथ लेफ्ट, तो करंट लैग वोल्टेज बाय पाई एल, ठीक, अगर फ्लो इंडक्टर होता तो लैग बाय 90 डिग्री, बट आर एल तो लैग बाय पाई एल फेज एंगल। समझ में आया? समझ में आया? चलो आज से इतने करते हैं, अनम्यूट हो जाइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए, अनम्यूट हो जाइए सब लोग, किसी को दिक्कत हो क्वेश्चन हो किसका है समझ नहीं आया मुझे बता। आपका थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्टिव तक इनके अंदर खींचा है तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि तो आज का जो पेपर जो था वैक्सीन में बहुत अच्छा लेक्चर था, आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे, कुछ डाउट हो तो पूछो वरना वाइंड अप किया जाए। कोई डाउट है? एक्सेस नहीं है? चलो अभी होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेता हूँ, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेता हूँ, अगर डाउट नहीं है तो चलो मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि अगर डाउट नहीं है तो मैंने बोला एक्सेस एक क्वेश्चन लिख लो, इसको वाइंड अप करते हैं। एक मान लीजिए 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, एक मान लीजिए 1 हेनरी का आपने इंडक्टर लगा दिया, एक मान लीजिए आपने कोई एक कैपेसिटर लगा लिया, आपने लगा दिया है 0.25 फैराड, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका एक वोल्टेज सोर्स है, एक वी का ब्लॉक वोल्टेज सोर्स है, इट इज नथिंग बट 10 sin 4t, ये आपका वी का वोल्टेज सोर्स है और आई के करंट है, तो आपको निकालना है फर्स्टली ओमेगा एंड एफ, सेकंड आपको निकालना है जेड, थर्ड आपको निकालना है एडमिटेंस वाई, इट इज नथिंग बट 1/z, फोर्थ आपको निकालना है वी आर वी एल वी सी, ठीक है, फिर फिफ्थ आपको निकालना है वेरीफाई कीजिए केवीएल लग रहा है, केवीएल लगा के देखिए केवीएल लग रहा है, मींस सम ऑफ दिस ऑल द वोल्टेज सोर्स इज 0, मींस वी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको देखना है, और फिफ्थ आपको निकालना है अपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर, ठीक है, सेवंथ आपको निकालना है पावर फैक्टर या कॉस्ट, ठीक है, ये सब कुछ निकाल के कल मुझे बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 सात चीजें एक क्वेश्चन में, ये सात अलग अलग क्वेश्चन एक क्वेश्चन लगा दिए, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो जेड पूछेंगे आई पूछेंगे या वी आर पूछेंगे वी आर पूछेंगे, मैंने सारे के सारे 10-12 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना दिया, कल मुझे बताइएगा जो होमवर्क है आपको, और कल मुझे करके बताइएगा, ठीक है।
अभी वाइंड अप करें? ठीक है सर, ओके बाय ओके सर, ओके टेक केयर, अब कल मुझे आंसर चाहिए, ओके गुड नाइट सर, गुड नाइट, ओके गुड नाइट।